वेलकम फ्रेंड्स। आज मैं सेशन लेने वाला हूँ, एप्पल के अंदर 40% जैसा प्रोडक्शन कैसे आप बढ़ा सकते हैं, क्या क्या चीजों को ध्यान रखना चाहिए। छोटा सा इंट्रोडक्शन मेरे बारे में। मेरा नाम समीर अलावादी है, मैंने पढ़ाई की है केमिकल इंजीनियरिंग और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा मैनेजमेंट में। 22 साल का एक्सपीरियंस है मुझे एग्रीकल्चर का। मेरी कंपनी है उत्कर्ष एग्रोकेम प्राइवेट लिमिटेड, उसका मैं टेक्निकल डायरेक्टर हूँ। इस कंपनी में हम 130 से ज्यादा नॉन पॉइजनस प्रोडक्ट्स बनाते हैं जो एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, लैंडस्केपिंग वगैरह में यूज होते हैं। प्रोडक्ट्स के बारे में और कंपनी के बारे में ज्यादा जानने के लिए आप हमारे वेबसाइट www.utkarshagro.com पे जा सकते हैं। इन 22 सालों में मैंने एज ए कंसल्टेंट काम किया है। मेजर केला, पपीता, आम, पोमोग्रेनेट, शुगर केन, चीकू, गोवा वेजिटेबल, मेजर हमने मैंने फ्रूट फार्मिंग के ऊपर काम किया। तो मैंने ये देखा कि फ्रूट फार्मिंग में वो ज्यादा फर्क नहीं होता है, इसलिए एप्पल में भले डायरेक्ट काम नहीं किया लेकिन उसका स्टडी करने के बाद मैं बता सकता हूँ कि क्या प्रॉब्लम है। और बहुत सारे किसान हैं लास्ट 2-3 साल में जो ऑनलाइन मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मैं विजिटिंग फैकल्टी भी हूँ IIM जम्मू और EDI में, जहाँ मैं एग्रीकल्चर से लगती बातें करता हूँ। मेरी दूसरी कंपनी है ट्रीज वाले टेक्नोलॉजीज LLP, जिसमें मैं पार्टनर हूँ। इस कंपनी में हम पेड़ बनाते हैं, पेड़ बेचते हैं, पेड़ लगा कर देते हैं, पेड़ बड़ा करके देते हैं, मियावाकी फॉरेस्ट बना के देते हैं, लैंडस्केपिंग करते हैं, लैंडस्केपिंग मेंटेनेंस करते हैं। ये हमारी इस कंपनी की वेबसाइट है www.treeswale.com, TREEZWALE.com। दोनों कंपनियां हमारी सूरत स्थित हैं। प्रॉफिटेबल फार्मिंग के लिए जो मेजर रिक्वायरमेंट रहती है कि भाई आपको क्लाइमेट के बारे में बताना चाहिए, जमीन बुआई क्या न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट है, कैसे अंतर्कट करेंगे, पानी की मैनेजमेंट कैसे करेंगे, पेस्ट डिजीज हार्वेस्टिंग, ये सब। और इसके अलावा बहुत सारी छोटी छोटी बातें हैं कि जो आज मैं वेबिनार में कवर करने वाला हूँ। छोटा सा इंट्रोडक्शन कुछ चैलेंजेस के बारे में। एप्पल की जो प्रोडक्टिविटी है वो बहुत कम है कंपेयर टू दूसरे जो देश हैं, और मेजर उसका कारण है कि हम जो नए तरीके रहते हैं प्लांटेशन के, वो अभी तक हम हमारे ग्रोअर्स अडॉप्ट नहीं कर रहे हैं, पुराने तरीके से अभी भी कर रहे हैं। भारत के अंदर सबसे अच्छी प्रोडक्टिविटी जम्मू एंड कश्मीर में है कंपेयर टू उत्तराखंड और हिमाचल, और मेजर उसका कारण है कि वहाँ का क्लाइमेट बहुत अच्छा है। एक तो जम्मू कश्मीर में रेगुलर स्नोफॉल होती है और जो ठंड के अंदर जो बरसात होती है वो सफिशिएंट मॉइस्चर जमीन को देती है, जिसकी वजह से प्रॉपर जो भी फ्लावरिंग आता है या फ्रॉस्ट से बचने का चांस मिलता है और अच्छा फ्रूट सेट होता है। दूसरा, जो जम्मू कश्मीर है वो हिमालय के अंदर अंदरूनी भाग में है, तो उसमें जो गर्मी का सीजन रहता है वो कूल रहता है और ड्राई रहता है, बहुत अच्छी सनलाइट मिलती है और ताकि क्रॉप क्रॉप ग्रो हो सके। अगर प्रिसाइज इरिगेशन, मतलब कि जैसे ड्रिप इरिगेशन है, वो फैसिलिटी हो और एक सिस्टमेटिक अप्रोच हो तो काफी अच्छा यील्ड और क्वालिटी ले सकते हैं। मेजर तकलीफें जो हैं अच्छा नहीं होने का, उसका एक तो इरिगेशन प्रॉपर नहीं है, फिर दूसरे जो कल्टीवार हैं जो अलग अलग वातावरण के अंदर रह सकते हैं, उसकी भी कमी है। न्यूट्रिएंट्स की जो रिक्वायरमेंट रहती है अलग अलग स्टेजेस के ऊपर वो टाइम पर पूरा नहीं होता है। ट्रेनिंग और प्रूनिंग का इशू है, डिजीज पेस्ट मैनेजमेंट अच्छा जैसा होना चाहिए वैसा नहीं है। फलों को हेल स्ट्रॉम से बचाने का जो तरीका होता है, तो ये सब कैसे दूर कर सकते हैं कि जैसे ही जैसे अर्ली रेन स्नोफॉल होती है विंटर में और जो बरसातें होती है समर में, अगर वो रेगुलर रहते हैं तो इरिगेशन की जरूरत नहीं रहती है। लेकिन कुछ देखते हैं कुछ दशकों से स्नोफॉल भी बराबर नहीं है, टाइम पर हो रही है, बरसातें भी टाइम पर नहीं हो रही है। सिर्फ एप्पल के एरिया में नहीं, पूरे भारत में, पूरे दुनिया में ऐसा हो रहा है। कुछ सालों में बहुत ज्यादा होती है, कुछ सालों में बहुत कम होती है, और इस वजह से पानी को स्टोर करने की जरूरत है ताकि जब भी हमें जरूरत पड़े तो हम ड्रिप इरिगेशन से उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। काफी सारे कल्टीवार्स को डेवलप किया गया है जो फ्लक्चुएटिंग टेम्परेचर के अंदर अच्छा काम करते हैं, और इनको प्रायोरिटी के बेसिस पर पॉपुलराइज करने की जरूरत है। फर्टिगेशन की जरूरत है, मतलब ड्रिप के द्वारा फर्टिलाइजर देने की जरूरत है, तो उससे जो न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है वो अवेलेबल हो जाता है जब भी जितना चाहिए हो। मैं न्यूट्रिएंट्स के बारे में बहुत डिटेल में बात करने वाला हूँ, तो आप ये पूरा अंत तक ये वीडियो देखना। पहले से हर कोई कहता है कि ट्रेनिंग और रोलिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है, पहले से कहा जाता है, लेकिन किसान इसके ऊपर अच्छा ध्यान नहीं दे रहे हैं। प्रॉपर ट्रेनिंग और रोलिंग एक अच्छा फ्रेमवर्क बनाता है पेड़ का, और इसकी वजह से नॉर्मल क्रॉप रेगुलर बेसिस पे आ जाता है अगर हम रेगुलरली ट्रेनिंग और रोलिंग करते हैं।
दूसरा, डिजीज और पेस्ट मैनेजमेंट बहुत अच्छी तरह से होना चाहिए सैनिटेशन के साथ में, सफाई अच्छी रखनी चाहिए ताकि हवा और सनलाइट अंदर के पार्ट्स में भी पेड़ों को मिलना चाहिए। जो जरूरी फंगीसाइड है इंसेक्टिसाइड उनको प्रॉपर टाइमिंग पे देना चाहिए, और अलग अलग जो डिजीज हैं उनका नियंत्रण और उसका स्प्रेड रोकना चाहिए। कुछ ऐसे पॉकेट्स हैं कि जहाँ पे गर्मियों के दरमियान हेल स्टॉर्म आता है, रेगुलरली आता है, जिसकी वजह से क्रॉप की क्वालिटी और प्रोडक्शन दोनों खराब हो जाता है। इन एरिया के अंदर एप्पल ऑर्चर्ड्स को नहीं लगाना चाहिए। वहां पर आप अखरोट है, वॉलनट है, या पिकन नट का प्लांटेशन कर सकते हैं। वो अच्छा क्लाइमेट है वहाँ पे इसके लिए। काफी सारे ऑर्चर्ड्स हैं जहाँ पे प्रॉपर पोलिनाइजर वराइटीज नहीं है, तो वहाँ पे प्रॉपर पोलिनाइजर वराइटी लगाने की जरूरत है। नियरली 10, हर 10 पेड़ के पीछे एक से दो की जरूरत रहती है। इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। तो अब देखते हैं पॉइंट टू पॉइंट के क्या क्लाइमेट होना चाहिए क्या है। तो एप्पल नॉर्मली 1500 मीटर से लेकर 2700 मीटर अबाउट सी लेवल के ऊपर हिमालयन रेंज में काफी अच्छे से होते हैं। ऐसा एरिया जहाँ पे 1000 से 1500 घंटे का चिलिंग और कूलिंग मिलता हो। कुछ ऐसी वैरायटी भी हैं जो लो चिलिंग 800 घंटे चिलिंग का मिलता है तो भी अच्छा हो जाती है। जिन एरिया में टेम्परेचर 0 डिग्री से भी नीचे चला जाता है वो ज्यादा इफेक्टिव नहीं रहती हैं चिलिंग रिक्वायरमेंट के लिए, बल्कि वो शूट्स और बर्ड्स के लिए डेंजरस होती है। जैसे हमने चिलिंग बोला, लो चिलिंग क्या होता है कि लो चिलिंग वो घंटे होते हैं जहां पे टेम्परेचर 60 डिग्री या उससे कम रहता है विंटर में। जहां पर इतने घंटे का ठंड हो वहां पे ही एप्पल लगाना चाहिए, बाकी नहीं लगाना चाहिए। जब जब ग्रोथ का सीजन रहता है तब टेम्परेचर अराउंड 21 से लेकर 24 डिग्री तक होना चाहिए। बहुत अच्छा ग्रोथ और फ्रूटिंग के लिए एप्पल को 100 से लेकर 125 सेंटीमीटर का सालाना बरसात मिलनी चाहिए, जो इवनली स्प्रेड होनी चाहिए पूरे साल में। ऐसा नहीं कि एक ही बार में बहुत सारी पड़ गई तो वो अच्छा नहीं रहता है। बहुत सारी रेनफॉल और फॉग अगर फ्रूट की मेच्योरिटी के समय अगर होती है तो उसकी वजह से फ्रूट की क्वालिटी बिगड़ जाती है, उसका कलर का बराबर डेवलपमेंट नहीं हो पाता है, और फंगल स्पॉट भी दिखते हैं फ्रूट के उसके ऊपर काले काले धब्बे पड़ जाते हैं। और एप्पल की खेती वहां भी सूटेबल नहीं है जहाँ पे बहुत ज्यादा हवा चलती हो। जमीन किस तरह की जमीन होनी चाहिए एप्पल कल्टीवेशन के अंदर? नॉर्मली लोमी मतलब पीली तरह की मिट्टी होनी चाहिए जिसमें ऑर्गेनिक मैटर बहुत अच्छा होना चाहिए, और पीएच अराउंड 5.5 से 6.5 सूटेबल ज्यादा है। पानी नहीं भरना चाहिए बिल्कुल भी, और सॉइल का ड्रेनेज पानी छोड़ देने की कैपेसिटी बहुत ज्यादा अच्छी होनी चाहिए, वो आदर्श जमीन होती है। डीप लोम सॉइल मतलब काफी गहराई तक लोमी सॉइल मतलब जिसको गोराडू मिट्टी बोलते हैं या पीली मिट्टी बोलते हैं वो होनी चाहिए। क्ले लोमी सॉइल हो जिसका लेकिन जो पानी जल्दी छोड़ देती हो, ड्रेनेज अच्छा हो, वो भी चल सकता है। सैंडी लोमी सॉइल के अंदर स्टेम डिजीज आने के जैसे कैंकर और पेपरी बार्क आने के चांसेस होते हैं, और स्टेम और रूट बोरर भी लगते हैं। मतलब सैंडी लोम सॉइल ज्यादा सूटेबल नहीं रहती है अगर आपके पास ये वाले कल्टीवार नहीं है जो इनके सामने लड़ सके। सॉइल ऑर्गेनिक मैटर में रिच और 5.5 के पीएच के आसपास वो आदर्श गिनी जाती है। शेलो सॉयल मतलब बहुत गहरी नहीं, जैसे डीप लोम वाला उसके ऊपर अतिरिक्त शेलो सॉयल भी सूटेबल कर सकते हैं अगर हम अच्छी क्वांटिटी के अंदर कंपोस्ट और गोबर खाद डालते हैं और पत्ते का कंपोस्ट डालते हैं। ऐसी जमीन जहाँ पर नेचुरल फॉरेस्ट ओक का और देवदार का अच्छी तरह से बना हुआ हो, वो वहां पर जहाँ पे ओक या देवदार को काट के बनाया जा सकता है, जहाँ पे आसपास में होता है, तो वहां पर अच्छा एप्पल का ऑर्चर्ड बनाया जा सकता है। नॉर्मली एप्पल को जो प्रोपोगेशन किया जाता है वो बर्डिंग या टर्न ग्राफ्टिंग मेथड से किया जाता है, मेजरली ग्राफ्टिंग मेथड होता है। जो प्लांटिंग मटेरियल आप खरीदें तो वो रजिस्टर्ड नर्सरी से लें, और जब उसको वहां से ला रहे हो तो अच्छा केयर लें कि रास्ते में कोई नुकसान ना हो जाए। नॉर्मली जनवरी फरवरी के अंदर जब ठंड कम बर्फ कम होनी शुरू होती है उस समय नॉर्मली प्लांटेशन किया जाता है। प्लांटिंग स्पेस और प्लांटिंग और स्पेसिंग की बात देखेंगे कि अराउंड 60 सेंटीमीटर का खड्डा 2 वीक पहले 15 दिन पहले खोद दिया जाता है। उसके बाद में उसका वो खड्डे को अच्छा सा लोमी सॉइल और ऑर्गेनिक मैटर मतलब कंपोस्ट डाला जाता है। प्लांटिंग जो है वो खड्डे के बीच में रखा जाता है।
इस तरह से कि रूट बॉल जो हो और रूट्स इंटैक्ट खड़े रहे। उसके बाद में लूज सॉइल भरी जाती है बाकी एरिया के अंदर और धीरे से प्रेस किया जाता है ताकि हवा अंदर से निकल जाए। उसी समय तुरंत के तुरंत जो पौधा होता है उसको बांबू से या किसी सपोर्ट से बांध दिया जाता है और तुरंत पानी देते हैं। पानी देते हैं तो जो भी अंदर हवा होती है वो निकल जाती है। नॉर्मली एक एकड़ के अंदर 80 से 500 के बीच में आता है। चार तरह की प्लांटेशन मेथड चलती है। जो पुराने टाइम में लो प्लांटेशन मेथड था जिसके अंदर 120 पेड़ आया करते थे प्रति एकड़। मॉडरेट के अंदर 120 से 200 पेड़ आते हैं प्रति एकड़। हाई के अंदर हाई डेंसिटी प्लांटेशन के अंदर 200 से 520 प्रति एकड़ आते हैं। और अल्ट्रा हाई, आजकल अल्ट्रा हाई का ट्रेंड काफी चला हुआ है जिससे 520 से ज्यादा प्रति एकड़ आते हैं। कौन सा ऊपर का स्कायन है और उसका कौन सा रूट स्टॉक लिया हुआ है तो वो तय करता है कि एप्पल की स्पेसिंग क्या होगी और प्लांटिंग डेंसिटी क्या होगी। मतलब हर एक तरह का रूट स्टॉक और उसके ऊपर जो लगाया हुआ, जो ग्राफ्ट किया हुआ स्कायन है तो वो उसके उसको ध्यान में रख के ही हमें किस किस लेवल का प्लांटेशन करना है तो वो तय होगा। नॉर्मली प्लांटिंग मेथड जो होता है वो स्क्वायर मेथड या हेक्सागोनल मेथड फॉलो किया जाता है वैली के अंदर। और कंटूर मेथड नॉर्मली किया जाता है स्लोप्स के अंदर। तो स्लोप्स के अंदर जो होता है वो बहुत गहरा स्लोप नहीं लिया जाता, माप का स्लोप होता है वहीं पे प्लांटेशन किया जा सकता है। एप्पल प्लांटेशन जब पॉलिनेटर स्पीशीज को बीच में लगाया जाता है मेन स्पीशीज के बीच में अगर तो ही अच्छी फ्रूट सेटिंग होती है। जो रॉयल डिलीशियस वैरायटी है उसके बीच में गोल्डन डेलिशियस और रेड डेलिशियस पॉलिनेटर का रिकमेंड किया है हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में। इस तरह से हर वैरायटी के लिए पॉलिनेटर भी तय है। तो अब आप वैरायटी तय कर ले तो उसका पॉलिनेटर की वैरायटी भी आपको लगाना जरूरी है। अगर आप प्लांटेशन कर रहे हैं जैसे आगे बोला है तो गड्ढा 1 मीटर बाय 1 मीटर का बर्फ पड़ने से पहले आपको खोद देना चाहिए। हर गड्ढे के अंदर अराउंड 30 से 40 किलो जितना गोबर खाद, 500 ग्राम जितना सिंगल सुपर फॉस्फेट, 50 ग्राम जितना मेलाथियन डस्ट या कुछ भी कीड़े का पाउडर डालना चाहिए। अच्छी तरह मिक्स करना चाहिए और उसके बाद में जनवरी फरवरी में प्लांटेशन करना चाहिए। सॉइल फ्यूमिगेशन का खूब महत्व है। पुराना जो ऑर्चार्ड रहता है उसके अंदर अगर सॉइल फ्यूमिगेशन की जाती है तो उससे जमीन काफी अच्छी हो जाती है। ग्रोअर जो होता है उसे देखना चाहिए कि प्लांटिंग करने से पहले के किस तरह के प्रॉब्लम पहले आए थे और उसको ध्यान में रख के किस तरह की सॉइल प्यूमिगेशन करने की जरूरत है तो वो पहले करना चाहिए। सॉइल प्यूमिगेशन के लिए आप बायो प्यूमिगेंट क्रॉप जैसे कि ब्रैसिका है या मस्टर्ड है वो लगा सकते हैं। फिर प्लाउ कर सकते हैं उसको और उसके बाद में जो एक्टिव आइसोथायोसाइनेट कॉम्पाउंड है उसको छोड़कर फ्यूमिगेट किया जा सकता है। दूसरा तरीका ये भी है कि जमीन को काफी सालों के लिए खुला रख दें, उसके अंदर अच्छा खासा सड़ा हुआ गोबर खाद या कंपोस्ट या ग्रीन मैन्योर ऐड कर दें, उसके साथ में डीएपी ऐड कर दें। ये इसकी वजह से सॉइल आपकी इम्प्रूव हो जाएगी लेकिन वो एक एज ए फ्यूमिगेंट काम नहीं करेगा या बायो फ्यूमिगेंट का भी काम नहीं करेगा। नॉर्मली जहां पर एप्पल ऑर्चर्ड पहले से लगा हुआ हो उसी जगह पर वापस से एप्पल पुराने एप्पल ऑर्चर्ड को निकाल के वापस से एप्पल ऑर्चर्ड लगाना प्रिफरेबल नहीं है। ये प्रॉपर होगा कि अभी अगर एप्पल का हम ऑर्चर्ड निकाल रहे हैं तो प्लम या वॉलनट को लगाना चाहिए। सॉइल फ्यूमिगेशन के लिए हमारा एक प्रोडक्ट है सिल्वर H2O2 करके, वो आप उसका यूज करके भी फ्यूमिगेशन कर सकते हैं। सिल्वर हाइड्रोजन पेरोक्साइड बोलते हैं उसको। वीड मैनेजमेंट, जो खरपतवार होते हैं उनका कंपटीशन की वजह से जो पौधों का जो ग्रोथ होता है शुरुआत के समय में तो वो काफी प्रभाव उसके ऊपर पड़ता है। और जो जगह पेड़ों के लिए अलॉट की गई है उसमें रिजल्ट उतना नहीं आता और प्रॉफिटेबिलिटी घट जाती है। इसलिए वीड कंट्रोल पहले 3 से 4 महीने ग्रोइंग सीजन के बहुत ज्यादा जरूरी रहते हैं। अगर लेटर समर के अंदर जब हार्वेस्टिंग हो जाती है उसके बाद वीड कंट्रोल नहीं करते हैं तो कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं रहता है। तो शुरुआत में वीड कंट्रोल करना जब क्रिटिकल फल का सीजन रहता है उस समय करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप ग्लाइफोसेट का या पैराक्वाट का
स्प्रे कर सकते हैं, 4 से 5 महीने में एक बार तो सारा का सारा जो खरपतवार है वो नष्ट हो जाता है। दूसरा मल्चिंग, मल्चिंग किया जा सकता है। मल्चिंग ए या ब्लैक एल्काथेन काफी अच्छा पाया गया है वीड के कंट्रोल के लिए। अगर उसका मल्चिंग कर दिया जाता है तो भेज भी अच्छा मेंटेन रहता है। दूसरे ओक के पत्ते हैं या सूखी घास है, वो भी काफी अच्छी मॉइस्चर मेंटेन करने के लिए देखी गई है, जानी गई है। और उसके साथ में अपने क्या बोलते हैं, वीड भी कंट्रोल अच्छा हो जाता है मल्चिंग से। इरिगेशन और वाटर सप्लाई, एप्पल ट्रीज जो है वो भेज के प्रति, लो मॉइस्चर के प्रति बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। तो पानी का तनाव जरा भी ग्रोइंग सीजन के समय जो फल की संख्या है उसको घटा देता है, जो साइज है फ्रूट का वो भी घट जाता है, और जूम ड्रॉप का जो प्रॉब्लम है, मैं आगे उसके बारे में भी लूंगा, तो वो उसका भी प्रॉब्लम देखा गया है। एप्पल की खेती के अंदर सक्सेस तब देखा गया जब यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है पानी का। लेकिन जब कभी ड्राई स्पेल चल रहा हो, मतलब जब पानी जो जितना चाहिए उतना नहीं है रहता है, तब सप्लीमेंट्री इरिगेशन देने की मतलब जरूरत है। जैसे शुरू में मैंने बोला कि पानी को हम इकट्ठा करके रखते हैं, तो हम सप्लीमेंट्री इरिगेशन आराम से दे सकते हैं। पानी के स्ट्रेस की वजह से फ्रूट की क्वालिटी खराब हो जाती है। फ्रूट ड्रॉप बहुत हैवी रहता है, प्रोडक्शन बहुत पुअर आता है, और क्वालिटी भी बहुत पुअर बनती है। सबसे क्रिटिकल पीरियड जो रहता है वो अप्रैल से लेकर अगस्त तक का रहता है, उसके बाद क्योंकि फल की हार्वेस्टिंग होने वाली होती है। इरिगेशन की जो रिक्वायरमेंट है एप्पल फॉर्म में वो है 115 सेंटीमीटर पर एनम, जो हम 14 से 20 वाटरिंग की जरूरत रहती है, इरिगेशन की जरूरत रहती है। समर के अंदर जो पानी है वो 6 से 10 दिन के अंतराल पर देने की जरूरत है, और ठंड के अंदर वो अराउंड 3 से 4 वीक में एक बार देते हैं तो चल जाता है। कम से कम 8 इरिगेशन रिक्वायर, 8 इरिगेशन कम से कम होने चाहिए अप्रैल से अगस्त के बीच में, जब फ्रूट सेटिंग का समय चल रहा होता है। ट्रेनिंग और प्रूनिंग, टाइमली ट्रेनिंग और प्रूनिंग प्रॉपर ग्रोथ के लिए और गुड क्वालिटी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। एप्पल प्लांट्स को उनकी जो ग्रोथ की हैबिटेट होती है और उनका जो स्टॉक का जो विगर रहता है, जो नीचे वाला भाग रहता है उसको स्टॉक बोलते हैं, रूट स्टॉक, और जो उसका स्कायन का जो विगर रहता है उसको ध्यान में रख के किया जाता है। जो स्टैंडर्ड एप्पल ट्रीज रहते हैं उनको मॉडिफाइड सेंट्रल लीडर सिस्टम से किया जाता है, ताकि अब उस हर डालियों को सही पूरी की पूरी सनलाइट मिल सके। इसकी वजह से एप्पल का जो फ्रूट कलर है वो बहुत अच्छा आता है, और बहुत हैवी रेनफॉल भी होती है तो भी फल की क्वालिटी के ऊपर नुकसान कम से कम आता है। स्पिंडल पुश सिस्टम बहुत बेस्ट सुटेबल है हाई डेंसिटी एप्पल प्लांटिंग के लिए, मिड हिल कंडीशंस के अंदर, जहाँ पे मिड हिल कंडीशंस है वहां पर स्पिंडल पुश सिस्टम सबसे अच्छा सिस्टम है। थिनिंग, थिनिंग ऑफ रूट, थिनिंग जो है वो एक बहुत मेजर टेक्निक है फ्रूट की क्वालिटी के लिए। अगर एप्पल के अंदर बहुत ज्यादा हैवी बेयरिंग आ गया है तो उसकी जो साइज रहती है वो भी छोटी रहेगी, क्वालिटी भी अच्छी रहेगी, और ऑल्टरनेट बेयरिंग के ऊपर भी उसको असर आता है। इसलिए जुडिशियस सही तरीके से थिनिंग एकदम सही स्टेज पर करते हैं तो क्रॉपिंग भी रेगुलेट होती है और फ्रूट की साइज और क्वालिटी दोनों अच्छी बनती है। मैनुअल थिनिंग जो है वो बहुत ज्यादा मुश्किल वाली रहती है और एक्सपेंसिव रहती है, तो कई बार केमिकल थिनिंग लगाई जाती है। और केमिकल थिनिंग जब भी आप कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा गर्म और ड्राई कंडीशन में नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसका खराब असर होता है। थिनिंग के लिए जो भी अपने केमिकल जो है वो पूरी की एनओपी के ऊपर करना होता है। कई बार देखा गया कि अगर जब केमिकल थिनिंग करते हैं तो कैल्शियम की कमी दिखाई जाती है, इसलिए उसके बाद में केमिकल की थिनिंग करने के बाद में कैल्शियम न्यूट्रिशन तुरंत देना चाहिए। जैसे कि कैल्शियम नाइट्रेट आप दे सकते हैं, कैल्शियम वीडीडी दे सकते हैं, एफ एनहांसर दे सकते हैं, जब आगे आएगा कैल्शियम के बारे में। नॉर्मली कितने पत्ते हैं उसको ध्यान में रख के थिनिंग करी जाती है, 40 पत्तों पर एक फल होना जरूरी है, और दो फलों के बीच में अराउंड 15 से 20 सेंटीमीटर का अंतर होना चाहिए, और एक डाली पर एक फल होना चाहिए। तो ये नियम को ध्यान में रखे आपको थिनिंग करना है, तो आपके आपको बेस्ट क्वालिटी और बेस्ट फ्रूट साइज मिल सके। फ्रूट साइज के ऊपर ही आपको रेट मिलने वाला है। इंटरक्रॉपिंग,
ग्रीन मैन्योरिंग जैसे कि बीन है या सनफ्लावर का आप कर सकते हैं शुरुआत में, जब पेड़ फल नहीं दे रहा है, ताकि उसका सॉइल का स्ट्रक्चर भी, अगर आप ग्रीन मैन्योरिंग कर रहे हैं तो सॉइल का स्ट्रक्चर भी अच्छा बनता है और न्यूट्रिशन भी अच्छा मिलता है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होता है। ऐसा देखा गया है कि एप्पल और सोयाबीन और एप्पल पीनट का इंटरक्रॉपिंग भी बहुत ज्यादा बेनिफिशियल और प्रैक्टिकल है रीजन के अंदर। अब देखेंगे पॉलिनाइजर और पॉलिनेशन, शुरुआत में मैंने बात करी थी, थोड़ी डिटेल में देख लेंगे। ये एंश्योर करने के लिए कि स्प्रिंग के दरमियान, बहार के दरमियान पॉलिनेशन अच्छी तरह से हो, तो आपको एक से ज्यादा कल्टीवार आपके ऑर्चार्ड में होना चाहिए। एप्पल के जो कल्टीवार होते हैं वो सेल्फ अनफ्रूटफुल है, मतलब खुद पॉलिनेशन नहीं कर सकते हैं, तो उनको एक दूसरे कल्टीवार की जरूरत रहती है, दूसरा तरह के एक वैरायटी की जरूरत होती है, जिसका फ्लावरिंग भी उसी समय होना चाहिए जिस समय आपका मेन जो फल लेने वाला है उसका होता है। जो कुछ कल्टीवार होते हैं जिनके पोलन जो होते हैं वो नॉन वायबल होते हैं, तो कम से कम 3 तरह के कल्टीवार की जरूरत रहती है, अलग अलग तरह के, अलग अलग तरह के कल्टीवार अगर हम अपने एक खेते में लगाते हैं तो उसकी वजह से पूरे सीजन तक हमें हार्वेस्टिंग चलती रहती है, क्योंकि अलग अलग जो वैरायटीज रहती हैं, अलग अलग कल्टीवार रहते हैं, वो अलग अलग समय मैच्योर होते हैं, उनकी हार्वेस्टिंग भी अलग अलग समय में आती है। पॉलिनाइजर जो होते हैं वो उनको अलग अलग सॉलिड अलग अलग रोज में रखा जाता है। दो से 3 रोज से ज्यादा का अंतर कभी भी नहीं रखा जाता है दूसरे कल्टीवार से। अगर कल्टीवार्स को एक ही रो में रखते हैं तो जो अलग अलग तरह के कल्टीवार होते हैं, क्योंकि जब हार्वेस्टिंग कर रहे होते हैं तो गलती से भी वो अलग अलग वैरायटियां एक साथ में पिक नहीं हो जानी चाहिए मेन कल्टीवार के साथ में, उसको ध्यान में रखने की जरूरत है। जो मक्खियां भी होती हैं वो भी नॉर्मली रोज में ट्रेवल करती है, एक रो के अंदर सीधी ट्रेवल करती है, वो अलग अलग रोज में कभी जंप नहीं मारती है जब पॉलिनेटिंग कर रही होती है। तो जो एक ही रो के अंदर जब हम कल्टीवार्स को रखते हैं तब पॉलिनेशन बहुत अच्छा पॉसिबल रहता है, मतलब आपका एक ही सिंपल जो रो है उसी के अंदर आप अलग अलग 2 या 3 कल्टीवार कम से कम रखिए, तो उसमें जो मेन कल्टीवार है उसका पॉलिनेशन अच्छा होता है। आपकी नर्सरी वाला बता देगा कि आपने ये वैरायटी लगाई है तो आपको कौन सा कल्टीवार लेने की जरूरत है। हनी भी अगर की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा अच्छी होती है तो पॉलिनेशन बहुत अच्छा होता है, फ्रूट का सेटिंग भी बहुत अच्छा होता है। एक मधुमक्खी का छत्ता 1 एकड़ के अंदर रिकमेंड है अच्छे प्रोडक्शन के लिए। अगर आपका खुद का हनी बी का नहीं है तो आप बी कीपर को भी बुला सकते हैं। ये ध्यान रखना होता है कि कुछ तरह की पेस्टिसाइड रहती है, हमने भी रिकमेंड की हुई है, लेकिन वो पेस्टिसाइड हनी बी को मार देती है, उनको जरूरत पड़े तो ही उनका करना चाहिए, नहीं तो मक्खियां मर जाती हैं और पॉलिनेशन का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आता है। ग्रोथ रेगुलेटर का यूज किस समय करना चाहिए, कितना करना चाहिए, अलग अलग तरह के जो चैलेंजेस आते हैं, एक तो फ्रूट ड्रॉप को अवॉइड करने के लिए करना चाहिए। फ्रूट ड्रॉप जो रहते हैं वो एक तो अर्ली ड्रॉप होता है अनपोलिनेटेड या अनफर्टिलाइज ब्लॉसम के समय, दूसरा जून ड्रॉप होता है क्योंकि मॉइस्चर स्ट्रेस या फ्रूट का ओवरलोड की वजह से भी ड्रॉपिंग आती है, तीसरा प्री हार्वेस्ट ड्रॉप होता है, मतलब हार्वेस्टिंग से पहले का ड्रॉप होता है। फ्रूट ड्रॉप बहुत कॉमन देखा गया अर्ली मेच्योरिंग कल्टीवार्स के अंदर, तो उसके लिए आपको नेप्थेलिक एसिडिक एसिड 10 मिलीग्राम प्रति लीटर के हिसाब से पेनोफिक्स का रिकमेंडेशन है, जिसमें आपको 1 ml प्रति 4.5 लीटर में डालना चाहिए। हमारा जो स्ट्रेस फ्री नाम का प्रोडक्ट है उसके अंदर भी नेप्थेलिक एसिडिक एसिड आ जाता है, तो उसके साथ में बहुत सारी चीजें दूसरी मिल जाती हैं, आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। आपको फ्रूट सेट में अगर प्रॉब्लम आ रहा है तो भी ग्रोथ रेगुलेटर का रिकमेंडेड है। अगर आपका आपके प्रॉब्लम है कि नॉर्मल फ्रूट सेटिंग नहीं हो रही है तो आपको मेराक्यूलेन नाम का एक है प्रोडक्ट, जो 0.75 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से लेना चाहिए, या फिर आप बायोजाइम या प्रोटोजाइम है, या फिर हमारा उत्कर्ष का भी जाइमोस करके आता है, उसको भी आप 2 बार स्प्रे कर सकते हैं, एक पिंक बर्ड स्टेज में और एक तुरंत पेटल फॉल के बाद में, तो उससे भी अपना फ्रूट सेट बहुत ज्यादा अच्छा हो जाता है। सरफेस कलर का कलर इम्प्रूव करने के लिए और मेच्योरिटी जल्दी लाने के लिए
भी आप ग्रोथ रेगुलेटर्स का यूज कर सकते हैं, जहाँ उसकी जरूरत वहां पड़ती है जहाँ पे समर के अंदर टेम्परेचर बहुत ज्यादा आया होता है, और उसके साथ में ही जहाँ ज्यादा ऊंचाई है और वहां पे जब मेच्योरिटी कंपेरेटिव लेट आती है उसके लिए जरूरत रहता है। इसके लिए आपको इथरल का 2.5 ml प्रति लीटर के हिसाब से स्प्रे करना चाहिए 10 से 12 दिन पहले हार्वेस्टिंग डेज से। इसकी वजह से कलर बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाता है और मैच्योरिटी भी अच्छी हो जाती है। इथरल का रिकमेंडेशन जो है, जब मैक्सिमम फ्रूट साइज अटेन हो जाए उसके बाद और अराउंड 30% ज्यादा रेड कलर डेवलप हो जाए उसके बाद ही करना है, उससे पहले हमें नहीं करना है। प्लेनोफिक्स भी ऐड कर सकते हैं इथरल के साथ में, ताकि एक्सेसिव जो फ्रूट ड्रॉप होता है वो उसको भी रोकने का काम करता है। दूसरा एक बात को ध्यान रखने की जरूरत है कि जहाँ पे भी आपने इथरल यूज किया है वो ज्यादा लंबे समय तक आप उसको स्टोर नहीं कर सकते हैं। अगर आपको फल को लंबे समय तक स्टोर करना है तो आपको इथरल का इस्तेमाल नहीं करना है। जहाँ पे ऑर्चार्ड बहुत पुराने हो चुके हैं वहां पर आपको पेक्लोब्यूटरजोल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि अच्छा फ्रूटिंग आए और ऑल्टरनेट बेयरिंग का जो आपको प्रॉब्लम आता है उससे आप बच सके। खास करके पुराने ऑर्चार्ड्स के अंदर ये प्रॉब्लम होता है, तो वहां पर आपको इसको पेक्लो ब्यूटराजोल का जरूरत पड़ती है। दूसरा फ्रॉस्ट प्रोटेक्शन, जब टेम्परेचर रात का 4 डिग्री से कम हो जाता है तो जो पानी के पार्टिकल्स होते हैं हवा के अंदर वो क्रिस्टल में कन्वर्ट हो जाते हैं और वो पौधे के ऊपर डिपॉजिट हो जाते हैं, और जितने भी पौधे का एक्सपोज एरिया रहता है उसके ऊपर हो जाते हैं। इसको व्हाइट फ्रॉस्ट कहा जाता है। जब भेज नमी बहुत कम होती है हवा में और टेम्परेचर 4 डिग्री से कम चला जाता है रात का, तो क्या बोलते हैं, फ्रॉस्ट का डिपोजिशन हो जाता है, लेकिन कोई आइस का पार्टिकल, कोई भी बर्फ का पार्टिकल नहीं होता, इसको ब्लैक फ्रॉस्ट कहा जाता है। जब मॉइस्चर होता है उस तब व्हाइट कलर का क्रिस्टलाइजेशन होता है, जब मॉइस्चर नहीं रहता है और टेम्परेचर 4 डिग्री से कम रहता है तो उसको ब्लैक फ्रॉस्ट बोलते हैं। जो ये फ्रॉस्ट का जो प्रॉब्लम है वो नॉर्मली सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट जोन में ज्यादा देखा जाता है। टेम्परेट जोन में डीप रूट जोन के अंदर बहुत ज्यादा डोरमेंसी आ जाती है जब टेम्परेचर कम आ जाता है, दिसंबर से लेकर फरवरी तक या मार्च तक, खास करके जहाँ 2400 मीटर से ऊपर का हिमालयस एरिया में होता है। जो टेम्परेट फ्रूट ट्रीज रहते हैं उनको फ्रॉस्ट में की वजह से फायदा होता है चिलिंग टेम्परेचर में, और उनकी जो चिलिंग रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाती है। खास करके फ्रॉस्ट से एप्पल का नुकसान तब देखा गया जब चिलिंग रिक्वायरमेंट जब पूरी हो जाती है उसके बाद में, और उसके बाद में उनका ग्रोथ जो चाहिए वो ग्रोथ नहीं हो पाता है। खास करके अगर ये फ्रॉस्ट जब बर्ड स्वेलिंग, जब बर्ड बड़ा हो रहा होता है, से पेटल जब नीचे गिरने का समय आता है तो वो बहुत ज्यादा नुकसान करता है, और उसकी वजह से कई बार क्रॉप का फेलियर भी देखा गया है। काफी सारे डिवाइसेस डेवलप किए गए हैं ताकि फ्रॉस्ट से बचाया जाए, जैसे कि इरिगेशन किया जा सकता है कुछ दिन पहले, बर्ड्स बर्ड स्वेलिंग से पहले अच्छी इरिगेशन की जाती है। इसके अंदर गर्म हवा को सेटल किया जाता है 100 मीटर के ऊपर के हाइट से स्प्रिंकलर की, मतलब ऐसा इरिगेशन सिस्टम लगा के, और साथ में उसके इलेक्ट्रिक या सोलर हीटर भी कुछ समय, कुछ घंटों के लिए रात को चलाकर, और एक पूरी सिस्टम डेवलप की जाती है हीटिंग सिस्टम और इरिगेशन सिस्टम को मिला के। अगर हम बर्ड स्वेलिंग स्टेज से पहले अगर अच्छी तरह से इरिगेशन देते हैं तो पानी का जो फ्रीजिंग का रहता है वो जो लेटेंट हीट रहती है वो रिलीज हो जाती है, जिसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ जाता है कुछ डिग्री के लिए और फ्रॉस्टिंग का प्रॉब्लम नहीं आता है, माइक्रो क्लाइमेट में पूरा बदलाव आ जाता है। तो ये पूरी टेक्निक आप इस्तेमाल करके आराम से फ्रॉस्ट से बच सकते हैं। जो छोटे पौधे होते हैं उनको भी आप फ्रॉस्ट से बचा सकते हैं, उनके ऊपर कैप चढ़ाकर कुछ शाम के समय ढककर उसको, और सुबह के समय जब सूर्य उदय होता है तब तो उसको निकाल के। इसके पीछे का जो विज्ञान विज्ञान ये है कि दिन के समय प्लांट की जो बॉडी रहती है वो गर्म हो जाती है और वो रात को ठंडी हो जाती है। अगर उसे किसी भी तरह के से ढक दिया जाता है ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक चीज से शाम के समय, तो
वो जो गर्मी दिन के दरमियान उसके बॉडी में आई है तो वो पूरी रात वो गर्म रहती है। जैसे हम कंबल ओढ़ लेते हैं, मतलब एक तरह से कंबल ओढ़ना तो खुद की शरीर की गर्मी की वजह से, सॉरी पौधे की गर्मी की वजह से वो फ्रॉस्ट के सामने लड़ सकती है। दूसरा सबसे अच्छा सा तरीका है जो फ्रॉस्ट से बच के रखने का, वो है पानी का स्प्रिंकलिंग कर देना, खास करके कैनोपी के ऊपर। जब फ्रॉस्ट चल रही हो, जिस समय 4 डिग्री से कम टेम्परेचर जाता है, उस समय पानी का छिड़काव अगर स्प्रिंकलिंग करते हैं स्प्रिंकलर की मदद से, तो भी अपने फ्रॉस्ट से बचा जा सकता है। हम अपने मैन्योर के बारे में देखते हैं, काफी बहुत डिटेल में ये टॉपिक तैयार किया है। तो नॉर्मली गोबर खाद 10 किलो प्रति साल देने की जरूरत है, जितनी उम्र रहती है उसके हिसाब से। और केपी एंड एनपीके का रेशियो भी जो है 70 ग्राम, 70-35-70 ग्राम प्रति ईयर हर उम्र के हिसाब से देना है, और हर साल इसी रेशियो से बढ़ाते जाना है, ताकि जब 10 साल के पहुंचे तो 700, 350, 700 ग्राम के हिसाब से एनपीके आ जाए। स्टैंडर्ड जो जो ऑफ ईयर बोलते हैं, जब क्रॉप का लोड कम रहता है, तब एनपीके का रेशियो रहता है 400-250 और 500 ग्राम प्रति रिस्पेक्टिवली। अगर आपके वहाँ पे डेफिशिएंसी देखी जाती है बोरॉन, जिंक, मैंगनीज, कैल्शियम की, तो आप हमारा उत्कर्ष का कॉम्बिटू 2 से 3 ग्राम प्रति लीटर पानी को द्वारा स्प्रे कर सकते हैं, या 1 से 1.5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से सॉइल एप्लीकेशन में दे सकते हैं। ये हमारा कॉम्बिटू है, जिसके अंदर 6 के 6 तरह के माइक्रोन्यूट्रेंट्स आते हैं। अभी हम देखेंगे अलग अलग न्यूट्रिएंट्स का क्या रिक्वायरमेंट रहता है अलग अलग स्टेज में। जो फ्लावरिंग का स्टेज रहता है, बर्ड बस्ट जिसको बोलते हैं, उसके अंदर हमें खास करके नाइट्रोजन, पोटेशियम और मैग्नीशियम की जरूरत रहती है शुरुआत में, ताकि अच्छी ग्रोथ हो नए प्लांट टिश्यू की और मैक्सिमम टी की प्रोडक्टिविटी हो। दूसरा तो फॉस्फोरस की जरूरत रहती है अच्छे रूट डेवलपमेंट के लिए और फ्लावर्स के क्रस्टल फॉर्मेशन के लिए। कैल्शियम की जरूरत रहती है रूट्स और लीफ का ग्रोथ को बूस्ट करने के लिए और अच्छी यील्ड लेने के लिए। बोरॉन की जरूरत रहती है अच्छी पॉलिनेशन के लिए और अच्छा स्ट्रॉन्ग फ्लावर बने उसके लिए। मैंगनीज की जरूरत रहती है अच्छा सबसे बढ़िया टिश्यू ग्रोथ के लिए। जिंक की जरूरत रहती है बर्ड का बर्स्टिंग फ्लावर बहुत अच्छी तरह हो और अच्छा अर्ली लीफ का डेवलपमेंट अच्छी तरह से हो। सेकेंड स्टेज रहता है फ्रूट सेटिंग स्टेज, जिसको फ्रूटलेट भी बोलते हैं, तो उसमें नाइट्रोजन की जरूरत रहती है कम जरूरत रहती है फ्रूट को भरने के लिए जरूरत रहती है। पोटेशियम की जरूरत रहती है कि फ्रूट के अंदर जो भी कोई डिसऑर्डर नहीं आ जाए। फॉस्फोरस की सबसे अच्छी जरूरत रहती है, सबसे ज्यादा जरूरत फॉस्फोरस की होती है फ्रूट सेट के समय और डेवलपमेंट के लिए। कैल्शियम की जरूरत रहती है अच्छी क्वालिटी के लिए और फ्रूट का डिसऑर्डर शेप वेप खराब ना हो जाए उसके लिए। मैग्नीशियम की जरूरत रहती है फ्रूट ड्रॉप ना हो जाए उसके लिए, और बोरॉन की रहती है अच्छे फ्रूट सेट के लिए। फिर फ्रूट फील्ड मैच्योरिटी के लिए नाइट्रोजन की जरूरत रहती है, कम क्वांटिटी में रहती है, ताकि अच्छी तरह फल फ्रूट भरा जाए और अच्छा शुगर का फॉर्मेशन हो। अगर आप नाइट्रोजन का ज्यादा देंगे तो सड़ने का प्रॉब्लम भी आ जाता है, इसलिए लिमिटेड क्वांटिटी में देना है। पोटेशियम की जरूरत रहती है अच्छे फ्रूट वेट के लिए, मिठास के लिए, टीएसएस लेवल मतलब मिठास होता है, डिसऑर्डर कम से कम हो, और सन क्लैड सन की वजह से कोई दाग लग जाते हैं उसको सन क्लैड बोलते हैं। कैल्शियम की जरूरत रहती है एकदम फर्मनेस और अच्छी कीपिंग क्वालिटी के लिए, स्टोरेज क्वालिटी के लिए। मैंगनीज की जरूरत रहती है फॉस्फोरस के साथ में, ताकि कलर अच्छा डेवलप हो। पोस्ट हार्वेस्ट हार्वेस्टिंग के बाद में अच्छी क्वालिटी रहे उसके लिए नाइट्रोजन पोटेशियम की जरूरत रहती है, ताकि हार्वेस्टिंग के बाद ताकि रिजर्व रहे अगले सीजन के लिए, अच्छा ग्रोथ के लिए, अच्छी ग्रोथ के लिए। फॉस्फोरस की जरूरत रहती है बर्ड डेवलपमेंट बढ़िया हो, रूट डेवलपमेंट जल्दी हो, नए टिश्यू जल्दी बने, ताकि स्प्रिंग के अंदर काम लग सके। कैल्शियम की जरूरत रहती है अच्छा हाई लेवल मेंटेन करने के लिए। मैग्नीशियम, बोरॉन, जिंक की रहती है, ताकि उसको जो रिजर्व खत्म हो चुका है और नए बर्ड्स को ताकत देने के लिए। अब संख्या कैसे तय कर सकते हैं? फ्रूट की जो संख्या रहती है वो बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर रहती है, खास करके डेंसिटी कैसी है, ऑर्चर्ड का सिस्टम कैसे, आपने प्रूनिंग करी है, थिनिंग करी है कि नहीं करी है, क्रॉप को क्या न्यूट्रिशन दे रहे हैं। अगर आपको फ्रूट की साइज कितनी चाहिए है उसको ध्यान में रख के भी आपको नंबर्स तय करना होता है। अगर बहुत सारे, जैसे मैंने आगे बताया था कि थिनिंग नहीं करते हैं, रहने देंगे, तो फल की साइज छोटी होगी और फल
पेड़ भी अपनी ताकत गुमा देगा। तो अच्छी संख्या के लिए आपको फॉस्फोरस की जरूरत रहती है, फ्लूट फ्लावर क्लस्टर बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं फॉस्फोरस की वजह से, उनकी इंटेंसिटी भी अच्छी होती है और एप्पल का सेट भी अच्छा बनता है। बोरॉन बोरॉन की जरूरत रहती है ताकि क्योंकि बोरॉन जो है वो पेड़ के अंदर ट्रांसलोकेट नहीं रहता, इसलिए उसकी बहुत ज्यादा जरूरत फोलियर स्प्रे के द्वारा दी जाती है की पीरियड में, खासकर जब फ्लावरिंग और फ्रूट फॉर्मेशन में, ताकि फ्लावर का सेटिंग अच्छे से अच्छा हो सके। फॉस्फोरस और बोरॉन खास ध्यान रखना है अगर आपको संख्या आपके यहाँ पे कम आती है या आपको अच्छी संख्या की जरूरत है। दूसरा, जिंक की जरूरत रहती है ब्लूमिंग से पहले, क्योंकि जिंक जो है वो मदद करता है ठंडी में जो भी नुकसान हुआ होता है पौधे को उसको उसकी रिकवरी के लिए। और ये भी ध्यान रखना होता है कि उसकी सप्लाई की कमी नहीं होनी चाहिए, खासकर फ्लावरिंग और फ्रूट फॉर्मेशन के लिए। हमारा जो पूरा शेड्यूल आएगा उसमें इन सब की बातों का ध्यान में रखा गया। मैग्नीशियम की जरूरत रहती है ताकि अच्छा ग्रोथ हो और एकदम, लेकिन बहुत कम लेवल पे जरूरत रहती है और वो बहुत क्रिटिकल रोल प्ले करता है पत्ते की ग्रोथ के लिए और अच्छी फ्लावरिंग के लिए, ताकि फ्रूट ड्रॉप मिनिमम हो। फ्रूट की साइज के लिए, साइज बहुत ज्यादा क्रिटिकल रहती है ग्रेडिंग के लिए। जैसे मैंने पहले बताया था कि साइज तय करती है कि रेट साइज के ऊपर मिलता है, और एक जैसे का शेप का और साइज का अगर फल आप देते हैं तो आपको रेट भी बहुत ज्यादा अच्छे मिलते हैं। तो एप्पल के साइज के लिए सबसे पहले फॉस्फोरस का रिक्वायरमेंट रहती है, दूसरी मैग्नीशियम की खास रिक्वायरमेंट रहती है ताकि फोटोसिंथेसिस की कोई कमी ना आए और पत्ता कभी छोटा ना हो। एप्पल की यील्ड के लिए क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए, जैसे ये तीन मैंने इम्पोर्टेंट फैक्टर है और मेजर रहता है यील्ड। हाई यील्ड जो रहते हैं वो फ्रीली ड्रेन सॉइल के अंदर रहता है जहाँ पे पानी भरता नहीं हो। ट्री डेंसिटी जो होती है, ट्री डेंसिटी, ऑर्चार्ड ओरिएंटेशन, स्पेसिंग बहुत ज्यादा क्रिटिकल है अच्छे यील्ड के लिए। सॉइल की तैयारी है, जमीन की तैयारी प्लांटिंग से पहले, और पीएच मेंटेन करके जैसे 5.5 से 6.5 के बीच में अच्छे रूट्स को बना के रखने के लिए ताकि न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल हो, इन सबको ध्यान में रखना चाहिए। प्रूनिंग और क्रॉप थिनिंग बहुत ज्यादा जरूरी है, जैसे मैं आगे बात कर चुका हूँ। फंगीसाइड इंसेक्टिसाइड भी जरूरी है। तो न्यूट्रिशन के एंगल में बात करेंगे तो नाइट्रोजन पोटेशियम सबसे की एलिमेंट रहते हैं, क्योंकि उससे शूट्स ऊपर का भाग और पत्ते की ग्रोथ अच्छी होती है, अच्छी फ्लावरिंग आती है, फ्रूट सेट अच्छा होता है और अच्छा बढ़ता है। दूसरा, फॉस्फोरस बहुत ज्यादा जरूरी है शुरुआत की ग्रोथ और रूटिंग के लिए, और उससे वही संख्या तय करता है फॉस्फोरस। कैल्शियम की जरूरत है अच्छे पत्ते की डेवलपमेंट के लिए, कैनोपी के ग्रोथ के लिए और अच्छी यील्ड के लिए। मैग्नीशियम और मैंगनीज की जरूरत है अच्छी फोटोसिंथेसिस एक्टिविटी के लिए, प्रोडक्टिव ग्रोथ और अच्छे फ्रूट को रिटेन करने के लिए, फ्रूट ड्रॉपिंग अटकाने के लिए। अगर कोई भी माइक्रो न्यूट्रिएंट की अगर अवेलेबिलिटी है तो दूसरे की तकलीफ आ जाती है। बोरॉन जो है वो फ्लावरिंग के समय बहुत महत्व का रहता है, उससे अच्छी फ्लावरिंग आती है और फ्रूट सेटिंग अच्छी होती है, और जिंक की भी वजह से बर्ड डेवलपमेंट और फ्लावरिंग बहुत ज्यादा अच्छा होता है। अब हम देखेंगे कौन से फर्टिलाइजर की क्या डेफिशिएंसी आती है, मतलब कैसे दिखता है डेफिशिएंसी में, नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी के अंदर जो, और उसके सॉल्यूशन क्या क्या रहते हैं, कौन कौन से फर्टिलाइजर हम यूज कर सकते हैं। नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी के अंदर पत्ते जो होते हैं वो फीके पड़ जाते हैं, पीले पड़ जाते हैं, कलर पूरा डेवलप नहीं होता है, उसमें कोई पैटर्न नहीं बनता है, पत्ते झुकने शुरू हो जाते हैं जल्द से जल्द, ट्विग्स जो है वो पतली, डालियां पतली होने शुरू हो जाती हैं, फ्रूट सेट भी कम हो जाता है और जून ड्रॉप बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, फ्रूट छोटा बनता है और कलर भी उसका बराबर नहीं होता है और जल्दी मैच्योर हो जाता है। इसके लिए आपको यूरिया है, अमोनियम सल्फेट है, डीएपी है, एमएपी है, कैल्शियम नाइट्रेट, ये सभी नाइट्रोजन युक्त फर्टिलाइजर है, इनका इस्तेमाल करना होता है। फॉस्फोरस की का जब कमी होती है तो लो टेम्परेचर ब्रेकडाउन का प्रॉब्लम आ जाता है, जिसके अंदर ये इस तरह का फल तैयार हो जाता है, ब्राउन और सॉफ्ट एरिया होते हैं, और दूसरा संख्या बहुत कम बनती है, खास करके जब क्रिटिकल स्टेज रहता है उस समय फॉस्फोरस की कमी नहीं रहनी चाहिए और फल ब्राउन हो जाते हैं। जो नीचे के पत्ते रहते हैं वो इस तरह के लालाश कलर के होने शुरू हो जाते हैं, तो ये फॉस्फोरस की कमी का सिम्टम है। फॉस्फोरस की कमी को दूर करने के लिए आपको, हम जैसे अभी मेरा आगे चार्ट आएगा उसके अंदर रिकमेंडेशन है कि आपको एसएसपी या डीएपी का इस्तेमाल करना है। अगर वाटर सोल्युबल का स्प्रे कर रहे हैं या ड्रिप में दे रहे हैं तो 12x0034 है,
दूसरा हमारा पॉलीफॉस्फेट है, जिसमें तीन तरह के फॉस्फेट, 6 के 6 माइक्रोन आ जाते हैं, हॉर्स पावर, बहुत बढ़िया रिजल्ट देता है। एप्पल, पेयर, इन सब के में बहुत किसानों ने यूज किया है नॉर्थ इंडिया के। पोटेशियम की कमी के अंदर जो नीचे की पत्तों की धार होती है वो जलनी शुरू हो जाती है, ब्राउन्स कलर का होना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे करके मर जाता है वो। पोटेशियम की कमी को दूर करने के लिए आपको जमीन में दे रहे हैं तो म्यूरेट ऑफ पोटाश दे सकते हैं, या ड्रिप के द्वारा या स्प्रे के द्वारा सल्फेट ऑफ पोटाश SOP 0050, पोटेशियम नाइट्रेट 0045 और MKP 0534 को आप दे सकते हैं। मैग्नीशियम की कमी के अंदर येलोइंग टिश्यू का होता है, लीफ मार्जिन ऐसा डिजीज वाला हो जाए उस तरह का लगता है आसपास में। उसके सिम्टम जो होते हैं वो पोटेशियम के जैसे होते हैं, लेकिन वो ऊपरली उपले बीच वाले पत्ते या उपले वाले पत्ते में ज्यादा देखे गए हैं। जैसे इसकी कमी बढ़ती है तो येलो रीजन जो होता है वो ब्राउन में कन्वर्ट हो जाता है और बाद में मर जाता है, और क्रिस्पर शेप का, ट्री शेप का एरिया डेवलप हो जाता है मेन मेन वेन के आजू बाजू में, जैसे ये इसमें दिखाया गया है। ये सब फॉस्फोरस की कमी, सॉरी मैग्नीशियम की कमी का सिम्टम्स है। मैग्नीशियम की कमी को आप दूर कर सकते हैं मैग्नीशियम सल्फेट देकर, मैग्नीशियम नाइट्रेट देकर, या मैग्नीशियम ईडीडीए स्प्रे करके, जो हमारा मैग ग्रीन के नाम से आता है। ये तीनों फर्टिलाइजर हमारी कंपनी बनाती है। जिंक की कमी, जैसे जिंक के बारे में मैंने बताया क्या बेनिफिट है, तो उसके अंदर पत्ते बहुत छोटे होने शुरू हो जाते हैं, नॉर्मल से छोटे आ जाते हैं। जो टिश्यू रहता है मेन मेन के बीच में वो पीला होना शुरू हो जाता है। टिप शूट जो होती है पूरी लंबी नहीं होती है, छोटी हो जाती है। इसकी कमी आप दूर कर सकते हैं जिंक सल्फेट जमीन में देकर, या जिंक ईडीटीए का स्प्रे करके, या ड्रिप में देकर, जो हमारा जिंक गैप के नाम से आता है। आयरन की कमी के अंदर जो मेन नस होती है वो शुरुआत में ग्रीन रहती है और बाकी सारा पत्ता पीला हो जाता है, तो ये आयरन की डेफिशिएंसी है। आप आयरन की डेफिशिएंसी को दूर करने के लिए आप पेरासल्फेट को जमीन में दे सकते हैं। पीएच अगर आपका 7.5 से ऊपर है, जो रिकमेंडेड तो नहीं है, तो आप FEDD दे सकते हैं। अगर आप ड्रेंचिंग या ड्रिप से दे रहे हैं तो FEIDA दे सकते हैं, जो हमारा फीड ड्रिप के नाम से आता है। और अगर आपका पीएच 6.5 से कम है, 5.5 से 6.5 के बीच में, तो आप FEDTPA दीजिए, जिसमें 11% आता है, जो हमारा FE-Aquarium के नाम से आता है। बोरॉन की कमी के अंदर जब होती है तो प्री मेच्योर फ्रूट ड्रॉप होता है, फ्रूट की क्वालिटी भी बहुत खराब हो जाती है। अंदर का जो कॉर्क होता है वो अच्छे से ढंग से डेवलप नहीं हो पाता है, और फल की जो शेप होती है वो पूरी की पूरी खराब हो जाती है। डेड एरिया डेवलप होने शुरू हो जाते हैं ये बार्क के ऊपर, ये डेड एरिया दिखाए रहे हैं, और बार्क भी जो रहती है वो रफ होनी हो जाती है, उसमें क्रैकिंग शुरू हो जाता है, ये फल में भी इस तरह के क्रैक्स पड़ जाते हैं। ये सारे के सारे बोरॉन डेफिशिएंसी के हैं। बोरॉन की कमी को दूर करने के लिए आप बोरेक्स जमीन में दे सकते हैं, या डाइस्कोडियम ऑक्टाबोरेट, जो हमारा बी शेप के नाम से आता है, वो दे सकते हैं। कैल्सी बोरॉन है, जिसमें बोरॉन 5.5% के साथ साथ कैल्शियम भी आता है 6%, वो आप कैल्सी बोरॉन दे सकते हैं। एफ एन एंसर है, जिसमें ईडीडी स्वरूप के अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम आते हैं बोरॉन के साथ में, वो आप दे सकते हैं। सल्फर की कमी के अंदर पत्ता है जो होता है पील पील पीलो होने शुरू हो जाते हैं, पूरा का पूरा पत्ता येलो हो जाता है, लेकिन ये आप देख सकते हैं कि नसें जो होती हैं वो ग्रीन रह जाती हैं, बाकी पूरा भाग पीला होना शुरू हो जाता है। इसके लिए आप बेंटोनेट सल्फर है, लिक्विड लाइम सल्फर है, वो दे सकते हैं, सल्फर 90% WDG, या आप सल्फर युक्त अगर खाद फर्टिलाइजर दे रहे हैं, अमोनियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, जिंक सल्फेट, कॉपर सल्फेट, तो भी सल्फर की कमी दूर हो जाती है। कैल्शियम की कमी के अंदर जो फल जो रहता है बिटर दबा हुआ रहता है उसमें, अंदर फल के अंदर जो होते हैं काले काले धब्बे दाग पड़ने शुरू हो जाते हैं। कैल्शियम की कमी को दूर करने के लिए आप कैल्शियम नाइट्रेट दे सकते हैं स्प्रे द्वारा, ड्रिप द्वारा, कैल्शियम ईडीडी दे सकते हैं स्प्रे द्वारा, ड्रिप द्वारा, कैल्सी बोरॉन दे सकते हैं, और एफ एनहांसर दे सकते हैं, जिसमें 6% कैल्शियम ईडीडी स्वरूप में आता है। मैंगनीज की कमी के अंदर जो नए पत्ते होते हैं वो उसकी नसों के बीच में पूरा का पूरा पीला पड़ना शुरू हो जाता है। ये सारे के सारे सिम्टम्स जो हैं, नस के आसपास का एरिया पूरा ग्रीन है और उसके बीच में पीले धब्बे हैं, तो ये जो सिम्टम है ये मैंगनीज की कमी का है। मैंगनीज की कमी को दूर करने के लिए आप मैंगनीज सल्फेट जमीन में दे सकते हैं, या मैंगनीज ईडीडीए दे सकते हैं। कॉपर की कमी के अंदर जो नए पत्ते रहते हैं उसके अंदर इस तरह बीच में दाग पड़ने शुरू हो जाते हैं, और वो धीरे धीरे पत्ता कर्ल होना शुरू हो जाता है ऊपर की तरफ,
और बहुत सारे अलग अलग तरह के शेप के नेक्रोटिक इरेगुलर शेप बन जाती हैं। कॉपर की कमी को दूर करने के लिए आप कॉपर EDTA पर 15% या कॉपर सल्फेट जमीन में दे सकते हैं, इसमें 24% आता है। इन सब का कॉम्बिनेशन वाला जो प्रोडक्ट है हमारा COMB2 या डबल COMB, वो आप देते हैं तो नॉर्मली ये सब डेफिशिएंसी नहीं आती है। ये सारे पॉइंट्स को ध्यान में रख के हमने कुछ शेड्यूल बनाया है एप्पल के अंदर अलग अलग स्टेजेस के बारे में, तो वो आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। ये अलग अलग उम्र के हिसाब से 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये रिसर्च के हिसाब से हमने डेटा निकाला है कि नाइट्रोजन कितने ग्राम चाहिए, फॉस्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, बोरॉन कितना ग्राम चाहिए, और उसको उसको हमने फर्टिलाइजर के अंदर कन्वर्ट किया कि कितना देना है। ये ड्रिप के शेड्यूल है कि उसके अंदर 12 यूरिया, 12x0 MOP, कैल्शियम नाइट्रेट, मैग्नीशियम सल्फेट, COMB2 है। ये शेड्यूल हमारा हमारी वेबसाइट www.utkarshagro.com पे अवेलेबल है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये जो शेड्यूल है वो हाई डेंसिटी प्लांटिंग के लिए है, ये वाला जो है दूसरा ये स्टैंडर्ड डेंसिटी प्लांटिंग के लिए है। दूसरा, अगर आपका ड्रिप इरिगेशन नहीं है तो आपको ये शेड्यूल है 1 से लेकर 15 साल तक का, जिसमें गोबर खाद कितना चाहिए वो है, यूरिया, DAP, MOP और साथ में कॉम्बी सॉइल कितने ग्राम देना चाहिए। नॉर्मली जो मेच्योर ट्री रहते हैं उसमें DAP और MOP जो है वो दिसंबर में देना चाहिए। यूरिया को 2 स्प्लिट फॉर्म में देते हैं, पहला जो डोज रहता है वो नॉर्मली ब्लूमिंग मतलब ब्लूमिंग से पहले 15 दिन पहले दिया जाता है। सेकेंड डोज जो रहता है वो फ्रूट सेट के 3 वीक के बाद दिया जाता है। नॉर्मली जो गोबर खाद है वो फरवरी मार्च में, जो आजकल फरवरी मार्च चल रहा है उसमें दिया जाता है। स्प्रे और ड्रेंचिंग का है, फरवरी जब किसान शुरू कर देता है अपना, तो चार्ट के हिसाब से उम्र के हिसाब से आपको गोबर खाद, यूरिया, DAP लेना है, कॉम्बी सॉइल लेना है, और मार्च के अंदर ड्रेंचिंग या ड्रिप से देना है, हॉर्स पावर, रूट्स मल्टीप्लायर, स्ट्रेस फ्री। मार्च के एंड में वापस से आपको स्प्रे करना है हॉर्स पावर और F+ का फ्लावरिंग के लिए, वो बर्ड ब्रेकिंग स्टेज के लिए। पेटल फॉल स्टेज के लिए आपको BM+ जो जिब्रेलिक एसिड 6BA का कॉम्बिनेशन है, साथ में COMB2 और 12x8 का स्प्रे करना है अच्छी फ्लावरिंग के लिए। वॉलनट साइज का, जब आपका अखरोट साइज का जब आपका एप्पल हो जाता है मई, नॉर्मली मई महीने में होता है, तो 13045 BM+ FNAC का स्प्रे करना है, डोज 5 पास में लिखा हुआ है। दूसरा, फ्रूट डेवलपमेंट के अंदर 13045 FNAC का स्प्रे करना है। फ्रूट की क्वालिटी और वेट के लिए COMB2 BM+ और 0050 का स्प्रे करना है। फ्रूट की क्वालिटी वेट के लिए वापस से एपेनहांसर 0050 का स्प्रे करना है। अब हम अलग अलग इंसेक्ट के अंदर हमारा जो ऑर्गेनिक फॉर्मुलेशन का क्या रिजल्ट है, तो सेंट जोस स्केल आता है, तो बायोक्लिक, ये सारी की सारी हम इंसेक्ट्स के बारे में, पेस्ट के बारे में हम देखने वाले हैं आगे चल के हमारी स्लाइड्स में। तो ये हमारे रिकमेंडेशन है कि भाई ये डिजीज हो, ये पेस्ट हो, तो आपको हमारे ये प्रोडक्ट लेने की जरूरत है। जैसे बायोक्लिनशिप है, माइटोज है, नीमोज है, ग्रबनील है, फिर जो ये अलग अलग डिजीज जो रोग आते हैं, एप्पल स्कैब, मार्कोनिया लीफ ब्लॉच, ब्लैक रॉट कैंकर, कॉलर रॉट, पाउडरी मिल्ड्यू, ये हमारा पंक्ट्री बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। सीडलिंग ब्लाइट के लिए सुलोजेल अच्छा है, एप्पल मोजेक वायरस के लिए वायरोस वायरी में बहुत अच्छा प्रोडक्ट है हमारा। ये जो आपको अलग अलग प्रोडक्ट के नाम बताए उनके ये इमेजेस में, ये हमारा कॉम्बी सॉइल है जिसको आप यूरिया, DAP, MOP के साथ यूज कर सकते हैं। फिर ये हॉर्स पावर 12x0, कैल्शियम नाइट्रेट, मैग्नीशियम सल्फेट, COMB2, ये वही है, ये हाई डेंसिटी प्लांटिंग के लिए, ये स्टैंडर्ड डेंसिटी प्लांटिंग के लिए, खाली क्वांटिटी का फर्क रहता है। स्प्रे और ड्रेंचिंग के लिए ये 12x1 है, साथ में BM+ FNAC 13045 के साथ में, और 0050 के साथ में BM+ और COMB2 और FNAC। दूसरा, ये हमारा जो स्प्रे और ड्रेंचिंग का शेड्यूल है वो है, ये हमारा पेस्ट कंट्रोल के लिए पंक्ट्री के बारे में बताया गया कि सारे डिजीज को ये कंट्रोल करता है। अब हम देखते हैं कि अलग अलग इंसेक्ट जो एप्पल प्लांटेशन में आते हैं कौन से आते हैं, कैसे दिखते हैं, और उनका क्या क्या ध्यान रखना चाहिए केमिकली और ऑर्गेनिक के बारे में मैंने बता दिया। हमारे पास ऑर्गेनिक सोल्यूशन है, हम केमिकल का काम नहीं करते हैं। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो सेंट जो स्केल है, इसके अंदर जो इन्फेक्टेड एरिया रहता है उसके अंदर बार्क रेडिश पिंक बनना शुरू हो जाता है, पर्पल कलर का डिस्कलरेशन फ्रूट के ऊपर आना शुरू हो जाता है, जो जो डाली के ऊपर होता है वो उसमें ताकत चली जाती है, और वो जो नई डाली होती है वो मरनी शुरू हो जाती है। इसके स्प्रेइंग के लिए डोरमेंसी के दरमियान 3% स्प्रे ऑयल या डीजल ऑयल इमल्शन का आप इस्तेमाल
करते हैं लोकली जो फिश ऑयल सोप रहता है 6.33% स्टॉक सॉल्यूशन और पानी का 1:5 के रेशियो के अंदर कर रहा होता है। डोरमेंट स्प्रेइंग भी की जा सकती है लीप ऑयल के बाद में, जब अगर वेदर क्लियर हो और टेम्परेचर अराउंड 4 डिग्री के आसपास हो। हाई वॉल्यूम प्रेयर के साथ में करना चाहिए ताकि पूरे के पूरा प्लांट का सरफेस कवर हो जाए। अगर लेट डोरमेंसी है आपके तो आपको जो ट्री स्प्रे ऑयल है उसको भी साथ में मिलाकर, साथ में आप क्लोरोपाइरीफॉस और या मिथाइल डिमेटोन 25% 1 ml प्रति लीटर के हिसाब से दे सकते हैं। उसके साथ में आप यूरोपियन रेड माइट्स एफिड थ्रिप्स वो उसका नियंत्रण भी हो जाता है। जो स्प्रेइंग रहता है वो पूरा का पूरा पेड़ के ऊपर इवनली अच्छी तरह से करना होता है। अगर बरसात में धूल जाता है तो ऑयल तो स्प्रेइंग को रिपीट करने की जरूरत है। नॉर्मल ऑर्चर्ड के अंदर एडिशनल स्प्रे की जरूरत रहती है अगर डोरमेंट ऑर्चर्ड का समय रहता है तो। जब आपका 80% पेटल फॉल हो जाता है खास करके रेड डिलीशियस वैरायटी के अंदर, कोई किसी भी एक इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करना जरूरी है, खासकर जैसे क्लोरोपाइरीफॉस जैसा या क्विनालफॉस या मिथाइल डिमेथोन का, ताकि एडल्ट मेल सेंट जोस स्केल का नियंत्रण किया जा सके। टाइम ऑफ एप्लीकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, खास करके जब बहुत ज्यादा हैवी अटैक रहता है। पेटल फॉल का जो ट्रीटमेंट रहता है उसकी वजह से एफिड माइट्स उन सब का भी नियंत्रण होता है। स्प्रेइंग जो है वो 1st वीक ऑफ जून में क्रॉलर के लिए भी की जाती है। थर्ड स्प्रेइंग भी कर सकते हैं लास्ट वीक ऑफ अगस्त में जब क्रॉलर का सेकेंड जनरेशन आना शुरू हो जाता है। केयर देख लीजिए कि समर के प्रोग्राम में रिपीट इंसेक्टिसाइड का स्प्रे में का रखे। हार्वेस्टिंग के समय आप डाइक्लोरो वॉश, अभी वो बैन हो गया है, उसकी जगह आप क्लोरोपाइरीफॉस का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस रोग से बचने के लिए आपको जो स्टॉक जो नर्सरी स्टॉक होता है वो स्केल इन्फेस्टेशन से फ्री होना चाहिए। नर्सरी को अच्छी तरह से फ्यूमिगेट करना चाहिए मिथाइल ब्रोमाइड से या हमारे उत्कर्ष के सिल्वर H2O2 से। आप पैरासाइट अलग अलग करके पैरासाइट से जैसे प्रोस्पेटेला पेरनिकोइसिस है, एस्पिडोलिटिक्स है इनको, या फिर कोकिनिलिड है, या चिलोपोरस सर्कमडेटस प्रीडेटर है इनको लाना होता है। अगर आप ऑर्गेनिकली इसको नियंत्रण करना चाहते हैं तो आप बायोक्लीन स्वीप का इस्तेमाल कर सकते हैं 2 से 3 ml प्रति लीटर पानी। वूली एफिड्स के अंदर ऐसे वूल की तरह एफिड चिपक जाते हैं और उसकी वजह से जो डालियां होती हैं वो वीक होनी शुरू हो जाती हैं। रूट्स के आसपास में गॉल बनना शुरू हो जाता है। इसके नियंत्रण के लिए आपको जो रेजिस्टेंट रूट स्टॉक है M778, M779, M14, MM110, MM112 का इस्तेमाल करना चाहिए, या डाइमिथियोर 30% या मिथाइल डिमेटोन 25% का स्प्रे करिए। पैरासाइट जो है एम्फेलिनस फैली उसका छोड़िए, प्रीडेटर छोड़िए, या अपने बायोलॉजिकल स्प्रे के लिए बायोक्लीन स्वीप का स्प्रे करिए। एप्पल एफिड्स, ये एफिड्स के फोटो हैं। एप्पल एफिड की वजह से पत्ते का डिस्टॉर्ट हो जाता है, कलर येलो हो जाता है, जो जिसपे इन्फेक्टेशन लगा तो पौधा सिक हो जाता है और ग्रोथ भी अटक जाती है। उसके नियंत्रण के लिए डोरमेंट स्प्रे जैसे आगे मैंने सेंट जूस के लिए बताया वो सफिशियंट है, लेकिन साथ में मिथाइल डिमेथोन है, क्लोरोपाइरीफॉस, डाइमिथियोन और मेलाथियन का स्प्रे भी अगर मई के शुरुआत में या अर्ली जून में करते हैं तो इसका नियंत्रण रहता है। या आप ऑर्गेनिकली स्प्रे करना चाहते हैं तो आप बायोक्लीन स्वीप का स्प्रे कर सकते हैं। ट्रोटरिसिड मॉथ या बर्ड कैटरपिलर जो जो लार्वी होती है वो नॉर्मली पत्ते की के ऊपर या छोटे फ्रूट को खाना शुरू कर देती है और एक तरह का वेब बनाना शुरू कर देता है बहुत सारे में, और उसके बाद उसको रोल करके कर देते हैं। इस बहुत सारे अलग अलग छेद हो जाते हैं। रिकमेंडेशन जो सेन जो स्केल में वही है, या फिर क्लोरोपाइरीफॉस का स्प्रे कर सकते हैं पेटल फॉल के बाद में, या ऑर्गेनिकली आप बायोक्लीन स्वीप का स्प्रे कर सकते हैं। एप्पल लीफ माइनर, लार्वी जो होते हैं पत्तों के एक लेयर के बीच में आ जाते हैं
और इस तरह जब जब चलते हैं वहाँ पे ऐसे लाइनें बन जाती हैं, बहुत ज्यादा जब लीफ माइनर होता है तो वो पत्ता इस तरह का हो जाता है, पूरा का पूरा भर जाता है। इसके नियंत्रण के लिए जो जैसे सेंड जो स्केल के अंदर जो बोला वो कर सकते हैं, या डीमिथाइल मेथोटोन 25% ईसी का स्प्रे कर सकते हैं, डाइमिथियोट कर सकते हैं, और ऑर्गेनिकली करना चाहते हैं तो नीम ऑयल का, नीमो सीपी या नीमोस गोल्ड का आप स्प्रे कर सकते हैं। हेरी कैटरपिलर के अंदर कैटरपिलर नॉर्मली पत्तों को खाती है, बहुत ज्यादा अटैक होता है तो पूरे के पूरे पत्ते पेड़ में से खत्म हो जाते हैं। अगर सारे पत्ते खत्म होते हैं तो कई बार पेड़ भी मर जाते हैं। इसका नियंत्रण आप जो भी अंडे दिखते हैं उनका नष्ट करके कर सकते हैं हाथ से, या काट के वो पत्तों को। खास करके मई के अंत में, मई के अंत मई में से लेकर जून तक इसका कलेक्शन करके लार्वी को मार दिया जाता है, या फिर क्लोरोपाइरीफोस या क्विनासो उसका स्प्रे करते हैं पेट्रोल पॉल के बाद में, उससे भी हैरी कैटरपिलर का नियंत्रण हो जाता है। शॉर्ट पिन होल बोरर के अंदर जो एडल्ट और ग्रब होता है वो सैपवुड के अंदर घुस जाता है। सरफेस जो होते हैं वो खरबचड़ा मतलब खराब हो जाता है, या पीला होना शुरू हो जाता है और पत्ते सूखने शुरू हो जाते हैं, गीले हो जाते हैं। अगर ज्यादा प्रॉब्लम रहता है तो पूरा का पूरा पेड़ मर जाता है। छेद होते हैं तो हमें पता चल जाता है कि इसके अंदर पिन होल बोरर है। इसको नियंत्रण प्रूनिंग के द्वारा और बोरर को मार के किया जा सकता है। फर्टिलाइजर का आपको बैलेंस यूज करना होता है। जो भी पत्ते नीचे गिरे हुए हैं उनको साफ कर लेना चाहिए ताकि उनके अंडे नहीं रह जाएं। दूसरा, जो जहाँ पे भी छेद है उसके अंदर 1.5% क्लोरोपाइरीफोस का डस्ट, या फिर क्लोरोपाइरीफोस का पानी और गेरू के अंदर डालकर उसका लीपन करते हैं तो भी उसका नियंत्रण हो जाता है। स्टेम बोरर, ये स्टेम बोरर का है, इसमें बड़े बड़े छेद कर डालते हैं ट्रंक के अंदर जो बोरर रहते हैं। नीचे जैसे सॉ डस्ट जैसा बाहर आ रहा होता है तो क्लियर पता चल जाता है कि स्टेम बोरर लग गया है। उसका नियंत्रण करने के लिए जहां स्टेम बोरर है उसको पहले साफ करना है, दूसरा उसके अंदर पेट्रोल या क्विनाइल फोस या क्लोरोपाइरीफोस को कॉटन के अंदर डालना है, और उसके अंदर नेफ्थलीन बॉल से दबा देना है। शेफर बीटल्स जो होते हैं, जो एडल्ट बीटल रहते हैं, वो पत्तों के ऊपर, बर्ड्स के ऊपर, ब्लॉसम के ऊपर, फ्रूट्स के ऊपर खाते हैं और छेद करते हैं। इसके नियंत्रण के लिए एसीटामिप्रेट का स्प्रे जून में शाम के समय करना चाहिए। पेड़ को हिलाना चाहिए जिसमें नहीं है, शाम के समय हिलाना चाहिए, और जो भी क्या बोलते हैं जो मर चुके हैं कीड़े उनको उनका इकट्ठा करके खत्म कर देना चाहिए। कार्बोफ्यूरॉन-3G का 10 से 12 किलो प्रति एकड़ में करना चाहिए ताकि ग्रब्स के सामने बचाया जा सके। दूसरा, आप ग्रब नील का भी इस्तेमाल कर सकते हैं ग्रब्स के नियंत्रण के लिए, अगर आप ऑर्गेनिकली करना चाहते हैं तो क्रश ग्रब नील। यूरोपियन रेड माइट्स, जिसको रेड माइट्स माइट्स भी बोलते हैं, तो माइट्स जो होते हैं वो पंचर कर डालते हैं पत्तों को और प्लांट के जूस के ऊपर जिंदा रहते हैं। अगर इन्फेस्टेशन जो है वो अगर लाइट रहता है तो पत्ते लाइट होते हैं, और अगर हेवी रहता है तो पूरा का पूरा पत्ते को पीला और ब्राउन कलर का कर डालते हैं। इसका नियंत्रण करने के लिए ऑयल इमल्शन का स्प्रे या डिलेड डॉर्मेंट स्प्रे ट्री स्प्रे ऑयल और ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड के साथ में किया जा करते हैं। अगर आप 5 से 8 माइट्स प्रति पत्ते पे देख रहे हैं तो जून महीने के अंदर प्रोपिगेट का 2 ml के हिसाब से स्प्रे करिए, या डाइकोपोल का करिए। वेटेबल सल्फर भी माइट को कंट्रोल करता है। दूसरा, हमारा उत्कर्ष का माइटोज है या बायोक्लीन स्वीप है, ये भी इसका नियंत्रण अच्छी तरह से करता है। ब्लड बर्ड और फ्लावर थ्रिप्स, थ्रिप की वजह से पूरा का पूरा ये फल इस तरह से नुकसान हो जाता है, ये छोटा जब फल होता है तब ये नुकसान करता है। इसके नियंत्रण के लिए जो सेंट जो स्केल के अंदर बताया गया वो करिए, या फिर बायोलॉजिकल नियंत्रण के लिए आप निमोस सीपी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या बायोक्लीन स्वीप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कॉडलिंग मॉथ में जो कैटरपिलर जो होता है फल के अंदर घुस जाता है और पल्प खाना शुरू कर देता है।
इसके नियंत्रण के लिए फील्ड सैनिटेशन अच्छा होना चाहिए, जो भी है नुकसान किया हुआ फल रहते हैं उनको डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए, फेरोमोन ट्रैप का इस्तेमाल करना चाहिए, ट्राइकोग्रामा छोड़ना चाहिए 2000 प्रति ट्री, या फिर बायो क्लीन स्वीप का 200-300 ml प्रति लीटर के हिसाब से स्प्रे करना चाहिए। कुशी कॉटन कॉटन ही कुशी स्केल, इसके अंदर ये निम्फ और जो एडल्ट रहते हैं वो रस उठते हैं पत्तों से और ट्विग से, पत्ते पीले हो जाते हैं इसके अंदर। इसका नियंत्रण के लिए हेल्दी और पेस्ट फ्री रूट स्टॉक लेने की जरूरत है, कलेक्ट करके पूरा खत्म कर देना चाहिए। उत्कर्ष का निमोज गोल्ड 10,000 ppm का 1 से 2 ml के हिसाब से करना चाहिए स्प्रे, या क्लोरोपाइरीफोस का केमिकल स्प्रे करना चाहिए, या फिर आप कोकोनिलीड प्रीडेटर या चिरोकोरस निग्रिटस का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। स्टेम बोरर का मैंने पूरा का पूरा आगे ले लिया है। ये जो हमारे प्रोडक्ट हैं बायो क्लीन स्वीप, निमोज गोल्ड, इन सब का मैं काफी सब नियंत्रण में कर सकते हैं। जो केमिकल इंसेक्टिसाइड का आप इस्तेमाल एप्पल में कर सकते हैं वो सब ये हैं, कार्बोप्यूरान है डोज के साथ में, क्लोरोपाइरीफोस डाइमेथियोट इक्सासंबरी के साथ में आ गया है, फोरेट वुली एपिड्स के लिए, प्रोपिगेट माइट्स के लिए, क्विनाल पॉस वुली एपिड्स के लिए, स्पीरो मैगी पेन माइट्स के लिए। अब हम देखेंगे कि अलग अलग डिजीज जो आते हैं एप्पल प्लांटेशन के अंदर उसके बारे में। फंगल डिजीज, ब्लू मोल्ड फंगस डिजीज होता है, ये ज्यादातर स्टोरेज और ट्रांजिट के टाइम पे देखा गया है। वॉटरी स्पॉट बढ़ने शुरू हो जाते हैं, पूरा का पूरा बाकी फल सड़ जाता है और एकदम फंगल ग्रोथ देखी जाती है सरफेस के ऊपर। इसके नियंत्रण के लिए आप बेनोमिल या थायोफिनिल या थायोफिनिल मिथाइल का इस्तेमाल कर सकते हैं, या 2% ब्लीचिंग पाउडर के अंदर 5 मिनट के लिए डाल सकते हैं, या ट्राइबेंडेजोल 0.1% वैक्सोल के अंदर रेफ्रिजरेशन में रख सकते हैं। ऑल्टरनेरिया रॉट के अंदर, इसके अंदर जो फल रहता है वो पूरा का पूरा राउंड ब्राउन से ब्लैक लेजिन बनने शुरू हो जाते हैं, स्किन को नॉर्मली तोड़ डालते हैं, उसमें छेद हो जाता है। स्पॉट जो होते हैं वो एकदम फर्म होते हैं, कड़क होते हैं, सूखे होते हैं और एकदम गहरे नहीं होते हैं। जो सरफेस होता है वो डार्क ब्राउन से ब्लैक बनना शुरू हो जाता है एडवांस स्टेज के अंदर। जो रॉटेड वाला भाग रहता है वो नरम हो जाता है और जो स्किन होती है वो ब्लैक कलर की हो जाती है। इसके नियंत्रण के लिए खेत को अच्छी तरह सफाई रखना है और फल को आराम से हैंडल करना है, मतलब हाथ जरा दबाएंगे तो खराब हो जाएगा। फल को 0 से 4 डिग्री में स्टोर करना है, खास करके तोड़ते समय, साफ करते समय, पैक करते समय उसका ध्यान रखना है, हार्वेस्ट करने से समय, मेच्योरिटी के समय भी ध्यान रखना है, और प्रिवेंशन के लिए आप पॉम्फ्री का इस्तेमाल कर सकते हैं। ग्रीन मोल्ड रॉट, ये भी स्टोरेज के समय ही होता है, इसका मैनेजमेंट जैसे आगे बताया वैसे ही है। एप्पल स्कैब के अंदर स्मॉल ड्रॉप ब्लैक सर्कुलर लेजिन स्किन के ऊपर बन जाते हैं। फ्रूट्स कोल्ड स्टोरेज के अंदर भी देखा गया है, अफेक्टेड फ्रूट जो होते हैं वो रॉट हो जाते हैं सेकेंडरी इन्फेक्शन के बाद में। ज्यादातर 4 से 8 डिग्री का टेम्परेचर होता है उसमें इसकी डेवलपमेंट होती है इस डिजीज की। इसके नियंत्रण के लिए आप यूरिया का 5 किलो प्रति में प्री फॉल के समय स्प्रे कर सकते हैं, एक स्प्रे लीफ फॉल के समय टेबुकोना सुर्का कर सकते हैं, एक जितने भी गिरे हुए पत्ते हैं उनको इकट्ठा करके प्रूनिंग वाले मटेरियल को जला देते हैं। ऑर्चार्ड को प्लाउ किया जाता है ताकि जो भी कचरा है वो नीचे दबा दिया जाए। दूसरी, ये स्प्रे शेड्यूल को फॉलो करते हैं। पहला स्प्रे सिल्वर टिप से ग्रीन टिप स्प्रे जो होती है, जो नॉर्मली मिड मार्च से मिड अप्रैल की रहती है, उसमें डोडाइन का स्प्रे या क्लोरोथिनॉल का या फिर डाइथियोन का स्प्रे करना है। सेकेंड स्प्रे पिंक बर्ड स्टेज में फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल से एंड के बीच में हेक्साकोनाजोल या डोडाइन का करना है। थर्ड स्प्रे पेटल फॉल स्टेज में करना है हेक्साकोनाजोल या टेबुकोनाजोल का, अगर आपने हेक्साकोनाजोल किया हो तो इस समय आपको टेबुकोनाजोल करना है। चौथा स्प्रे पीनट स्टेज पर करना है डाइथियोनोन का या डोडाइन का या बाइटरनेनोल का। पांचवा स्प्रे फ्रूट फ्रूट डेवलपमेंट स्टेज में करना है डाइथियोन का, डोडाइन या डाइपेनकोनाजोल या माइक्लोब्यूटानिल का करना है। सिक्स स्प्रे जो है छठा स्प्रे है वो बाइटरनोल या क्लोरोथनोल का करना है। नॉर्मली ध्यान रखिए कि आपको फंगीसाइड को बार बार रिपीट नहीं करना है, अलग अलग फंगीसाइड यूज करने हैं। लास्ट पर आपको जायरेमा करना है।
अगर आप ऑर्गेनिकली करना चाहते हैं तो आप ऑल्टरनेट स्प्रे और उत्कर्ष पंखुड़ी का भी आप कर सकते हैं। ग्रे मोल्ड के अंदर जो इन्फेक्टेड फ्रूट रहते हैं वो स्लाइटली ब्राउनिश हो जाते हैं। ये जो होता है संपर्क में आने से ग्रे मोल्ड बढ़ जाता है। इसके मैनेजमेंट के लिए आप सोडियम बाइसल्फेट जो SO2 रिलीज करता है हवा में आने के बाद में वो उसका कर सकते हैं, या डाइब्रोमो टेट्रा एथन या इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ग्रे मोल्ड के प्रॉम्प्ट कूलिंग से भी इसका नियंत्रण किया जा सकता है। ब्लैक रॉट और या कैंकर, नॉर्मली ये डिजीज 3 फेज में होती है। नंबर 1 लीफ स्पॉट, जिसके अंदर फ्रॉग आई स्पॉट देखा गया, ब्लैक रूट, और थर्ड रहता है कैंकर। मोस्ट सीरियस डेवलपमेंट जो रहता है या कैंकर या क्लाइम के अंदर ब्रांचेस के अंदर देखा गया है, बड़े लिम्स के अंदर जो कैंकर यूजुअली डेवलप होता है वो अपर सरफेस में रेडिश ब्राउन कलर का होता है। संकेन लेजियन जो होता है वो इनिशियली छोटा होता है, बाद में लेकिन बड़ी साइज का हो जाता है। आगे चलकर ये स्मोकी कलर के गोल गोल रिंग बनाना शुरू कर डालते हैं। कैंकर जो होता है वो लेंथ वाइज ज्यादा डेवलप होता है और 1 मीटर के लंबाई जितना डेवलप हो जाता है। ब्लैक रॉट के अंदर जो रॉट रहता है वो शुरुआत में कैलिक्स में दिखा गया है और उसके बाद में वो आगे बढ़ता है। इसकी ट्रीटमेंट के लिए फ्रूट्स को लिंसिड ऑयल या मस्टर्ड ऑयल के साथ में ट्रीट किया जाता है, या फिर आप स्प्रे कर सकते हैं पंपरी का या सुडोजेल का। दूसरा, मैकेनिकल इंजीनियर को अवॉइड करना है। बिटर रॉड के अंदर छोटे छोटा स्मॉल ब्राउन सर्कुलर स्पॉट बढ़ने बनने शुरू हो जाते हैं फल के ऊपर। 68 डिग्री के फ़ारेनहाइट के आसपास जब टेम्परेचर होता है तब ये फेवरेबल होता है। इसके मैनेजमेंट के लिए आप मैंकोजेब का स्प्रे कर सकते हैं, या फिर ऑर्गेनिकली स्प्रे करने के लिए पंखुड़ी या सुडोजेल का भी स्प्रे कर सकते हैं। रॉड्स के बारे में जो आगे हमने देखा है वैसा ही, इसलिए मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। ब्लिस्टर स्पॉट्स जो रहते हैं वो फल के लेंटिल के ऊपर शुरुआत के मिड के जून में जुलाई में डेवलप होते हैं। वो नॉर्मली पर्पलिश ब्लैक कलर के रहते हैं और 1 से 5 mm के बीच में होते हैं हार्वेस्ट के समय। इसका नियंत्रण करने के लिए आप बेनोमिल है या थायफेनेट मिथाइल का कर सकते हैं, या 2% ब्लीचिंग पाउडर के अंदर कर सकते हैं स्टोरेज के समय। कॉलर रॉट ये नॉर्मली ग्राफ्ट का जो यूनियन होता है, जहां पर ग्राफ्ट और कल्टीवार लगाया गया था वहां पे होता है, या जहाँ प्रूनिंग की गई होती है वहां पर कॉलरोट देखा जाता है नीचे के भाग में। बार्क जो होता है वो कैंकर डेवलप हो जाता है, स्पॉट नरम हो जाता है पूरा ये नीचे वाला भाग और स्पॉन्जी हो जाता है। जो बार्क का जो भाग होता है थर्ड का भाग होता है वो सूखना शुरू हो जाता है और वो लकड़े से अलग हो जाता है। पत्ते जो होते हैं वो पर्पल रेड कलर के बन जाते हैं गर्मी में। जो जिसके ऊपर लगा होता है वो उसमें ग्रोथ आना बंद हो जाता है। इसके नियंत्रण के लिए जो इन्फेक्टेड भाग रहता है उसको साफ करने की जरूरत होता है चक्कू के साथ में। बाद में बोड़ो का पेस्ट लगाते हैं या चौबटिया पेस्ट या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का पेस्ट लगाते हैं। इसके लिए जो आपने जो बर्ड या ग्राफ्ट यूनियन जो है वो 40 से 70 सेंटीमीटर सॉइल सिक के ज्यादा ऊपर लगाना चाहिए ताकि इसका प्रॉब्लम जल्दी ना आए, मतलब नहीं जल्दी से फिर कॉलर रॉट नहीं आता है। कल्चरल प्रैक्टिसेस एडॉप्ट करने की जरूरत रहती है, जैसे खास करके सफाई रखने की जरूरत रहती है। फल जो नीचे गिरे उनको साफ रखना चाहिए, किसी भी तरह से स्टेम को कोई इंजरी नहीं आ जाए। खरपतवार को दूर रखना होता है, लंबे लंबे घास को दूर रखना होता है पेड़ों के आसपास से। व्हाइट रॉट रूट मतलब जड़ें जो होती हैं सफेद जड़ें वो काली हो जाती हैं, जड़ों के ऊपर जो सड़ा होता है उसको व्हाइट और रॉट रूट बोलते हैं। इसके नियंत्रण के लिए फॉर्मेलिटी हाइड 50 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से नए प्लांटेशन में करना चाहिए ताकि फ्यूमिगेट हो जाए। जो रॉटन रूट रहती है उनको काट देना चाहिए। जो कटा हुआ भाग रहता है उसको बोडो मिश्रण या चौबटिया या COC का पेस्ट लगाना चाहिए। इन्फेक्टेड जो बेसिन रहता है उसको रिप्लेस करना चाहिए फॉर्मल डिहाइड से। सेंट्रल ड्रेनेज सिस्टम
लगाना चाहिए। फिर मेटालिक सील है या फॉस्टाइल है, उसका नीचे के भाग में 20 से 24 सेंटीमीटर दूर उसको ड्रेंचिंग करने की जरूरत है, वहां तक पानी पहुंचे ताकि इसका नियंत्रण हो जाए। 3 से 4 बार हर साल ये ट्रीटमेंट करनी चाहिए, खास करके बरसातों में, खास करके जहाँ पानी भर जाता हो या ज्यादा पानी भर गया हो तब ये ट्रीटमेंट करने की जरूरत है। अगर आप ऑर्गेनिकली ट्रीटमेंट करना चाहते हैं तो आप हमारा उत्कर्ष का पम्प फ्री का ट्रीटमेंट आराम से कर सकते हैं। स्टेम ब्राउन, स्टेम ब्राउन के अंदर कैंकर और फ्रूट रॉट दो स्टेज का डिजीज रहता है। कैंकर जो है वो नॉर्मली गर्मी में डेवलप होते हैं, ब्लिस्टर डेवलप होते हैं, और मैंने इसके बारे में आगे आगे रिपीट हो रही है अली स्लाइड शायद। एप्पल मोजेक वायरस में वेरिएबल बहुत अलग अलग तरह के सिम्टम दिखते हैं, जिसमें डेफिशिएंसी जैसे पत्ते होने शुरू हो जाते हैं, कुछ पीले हो जाते हैं। नॉर्मली वायरस जो है वो वुड बर्ड वुड द्वारा ट्रांसमिट होती है। उसके नियंत्रण के लिए जो बर्ड वुड को अराउंड 36 डिग्री के टेम्परेचर तक ट्रीट करने के बाद में 4 वीक के बाद में लगाया जाता है। अराउंड 50 डिग्री का टेम्परेचर इन्फेक्टेड बर्ड 8 मिनट तक रखा जाता है बर्डिंग से पहले। मेन सीडलिंग जो रहता है उसको 37 डिग्री टेम्परेचर पर 27 दिन तक रखते हैं, या 40 डिग्री पर 20 दिन तक रखते हैं ताकि वो वायरस इनएक्टिव हो जाए। वायरस प्री प्लांट को वायरस इंडक्शन करने के बाद में ही उसके ऊपर ग्राफ्टिंग करनी चाहिए। प्री मैच्योर फॉल में डार्क स्पॉट 5-10 सेंटीमीटर के अपियर होते हैं और छोटे छोटे डॉट्स बन जाते हैं। इसके नियंत्रण के लिए थियोनॉन का या डोडाइन का स्प्रे आप कर सकते हैं। पाउडरी मिल्ड्यू के अंदर पाउडर जैसा पूरा पत्तों के ऊपर हो जाता है, जैसे किसी ने पाउडर छिड़का हो। उसके नियंत्रण के लिए अराउंड ट्राइडोमॉर्फ या कार्बोक्सिन का स्प्रे कर सकते हैं। हमारे ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट हैं, ट्राइकोडर्मा वेरिडी, सूडोस सूडोमोनास फ्लोरोसेंस, जो अलग अलग तरह के फंगस को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। दूसरा, मैंने ये दो प्रोडक्ट के बारे में बहुत सारा बात बोल रहा है, कोई भी तरह के फंगस रहते हैं तो वो पंपफ्री का आप स्प्रे ड्रेंचिंग दोनों कर सकते हैं, जिसके अंदर ट्राइकोडर्मा वेरिडी, ट्राइकोडर्मा हर्दियानम, एम्पिलोमाइसिस क्विस्कॉलिस और बहुत सारे स्पीशीज, अराउंड 6 स्पीशीज हमने डाले हैं। बायोक्लिनसिप जो सभी तरह के इंसेक्ट्स के लिए होता है और वो भी बना है कॉम्बिनेशन का, मेट्रिज्म एनिसोपली विवेरिया बैसियाना वर्टिसिम लिकेनी का। अलग अलग फंगिसाइड्स, काफी सारे फंगिसाइड के बारे में नाम मैंने बोला है, ये और फंगिसाइड की जो लिस्ट है जिसका डोज के साथ में और कितने दिन के अंतराल पर इसको इस्तेमाल करना चाहिए वो भी लिखा हुआ है। अब हम अलग अलग डिसऑर्डर्स देखेंगे, कौन कौन से डिसऑर्डर्स आते हैं। एक तो रूट ड्रॉप के 3 डिस्टिंक्ट है और कुछ और डिसऑर्डर भी है। एक होता है अर्ली ड्रॉप डिसऑर्डर जो अनपॉलिनेटेड या अनफर्टिलाइज ब्लॉसम की वजह से होता है। दूसरा जून ड्रॉप होता है जिसमें क्योंकि मॉइस्चर स्ट्रेस या फ्रूट कॉम्बिनेशन की वजह से होता है, इसको कम किया जा सकता है अगर सॉइल का मॉइस्चर मेंटेन करके पानी देने के बाद में पानी देकर मल्चिंग के द्वारा। प्री हार्वेस्ट ड्रॉप भी होता है जो सबसे सीरियस बहुत सारा नुकसान करता है ऑक्सीजन लेवल घटने की वजह से और इथिलीन लेवल बढ़ने की वजह से। प्री हार्वेस्ट को आप कंट्रोल कर सकते हैं नेप्थेलिक एसिड एसिड का 10 ml ppm का स्प्रे करके, या फिर स्ट्रेस फ्री का स्प्रे करके 1 से 2 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से, उसके अंदर भी नेप्थेलिक एसिड एसिड आ जाता है। दूसरा जो डिसऑर्डर है वो है इरेगुलर बेयरिंग का। तो एप्पल कल्टीवार जो रेड डिलिशियस है, रॉयल डिलिशियस, गोल्डन डिलिशियस है, और उनकी टेंडेंसी है कि एक साल बहुत हैवी देते हैं, दूसरा साल पुअर क्रॉप आता है। और ऑल्टरनेट बेयरिंग को आप चेक कर सकते हैं, एक तो थिनिंग करके साल में एक बार के 10 से 15 ppm NA के जब फुल ब्लूम हो उस समय थिनिंग करके स्प्रे करके, नाइट्रोजन एप्लीकेशन करके, ढंग से प्रूनिंग करके विंटर के टाइम पे ताकि लोड क्रॉप का लोड घट जाए। फिर ग्रोथ रिटार्डेंट का इस्तेमाल करके, जैसे पैक्लोब्यूटारोल है 500 से 100 ppm जून जुलाई में इस्तेमाल करके। फिर बिटर पिट, ये एक तरह का फिजियोलॉजिकल स्टोरेज डिसऑर्डर है जो खास करके कैल्शियम की कमी की वजह से दिखा गया है, जिसके अंदर सेल का ब्रेकडाउन हो जाता है लाइट डिप्रेशन की वजह से। और इसके लिए जब हम फल को तोड़ लेते हैं
उसके बाद में कैल्शियम क्लोराइड का 4% का सॉल्यूशन बनाना होता है, उसके अंदर 30 सेकंड तक डिप करके रखते हैं स्टोरेज से पहले। अगला जो डिसऑर्डर है वो वाटर कोर का है। जो जो फल को नुकसान हुआ होता है वो नरम स्पॉन्जी हो जाते हैं, उनका स्किन डल हो जाता है, वाटर सोक्ड एरिया हो जाता है और उसमें फर्मेंटेड टेस्ट आना शुरू हो जाता है। इसके लिए भी कैल्शियम क्लोराइड का क्या बोलते हैं स्प्रे करने की जरूरत है, 3 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में और 21 दिन के बाद में। कॉर्क स्पॉट अफेक्टेड जो फ्रूट रहते हैं वो उसका जो ब्लश एरिया रहता है वो स्किन के ऊपर ब्लश जैसे हो या ब्राउन स्पॉट पड़ जाते हैं। अफेक्टेड जो फ्रूट रहते हैं उनके जो टिश्यू रहते हैं वो ज्यादा हार्ड होते हैं नॉर्मल फ्रूट से। इसके लिए आप बोरिक एसिड का स्प्रे कर सकते हैं या हमारा बीशेफ का स्प्रे कर सकते हैं 1 से 1.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में, खास करके पेट्रोल स्पॉल के समय। और दूसरा, ज्यादा नाइट्रोजन फर्टिलाइजर को अवॉइड करने की जरूरत होती है। एप्पल ट्री नॉर्मली 8वें साल में फल देना शुरू होता है, 8 से लेकर 17 साल तक वो बहुत अच्छा प्रोडक्शन देता है, सालों साल बढ़ाता रहता है और 30 साल तक उसका प्रोडक्शन 17 के बाद में कॉन्स्टेंट हो जाता है। एप्पल की जो वैरायटी रहती है वो प्रोडक्शन वो डिपेंड करता है एलिवेशन टू एलिवेशन, कौन सा आपने कल्टीवार यूज किया है, कौन सा आपने रूट स्टॉक यूज किया है, कौन सा स्काइन यूज किया है, कौन सी वैरायटी है, कैसा पॉलिनेटर है। नॉर्मली एप्पल का हार्वेस्टिंग जो होता है वो फुल्ली तैयार होने के बाद फुल्ली तैयार होने से पहले उसको तोड़ लेना चाहिए ताकि वो बहुत नरम ना हो जाए और ट्रांसपोर्टेशन में आसानी हो। एवरेज यील्ड जो रहती है अलग अलग वैरायटीज की जम्मू कश्मीर हिमाचल में 5 से 6 टन प्रति एकड़ रहती है, उत्तरांचल में कम है, कश्मीर में इससे भी अच्छी देखी गई है। हमने बहुत सारे प्रोडक्ट्स के बारे में बात करी है आपको शुरुआत से, तो ये हमारे प्रोडक्ट आपको इजीली अवेलेबल है अमेजन, फ्लिपकार्ट, मोगलिक्स, एग्रोशिया, एग्री बेकरी, बिग हार्ट, इन सब में आपको मिल जाएंगे। हमारी वेबसाइट से भी आप खरीद सकते हैं या आप डायरेक्ट ऑर्डर हमारे सेल्स डिपार्टमेंट को दे सकते हैं, नंबर लिखे गए हैं, या ईमेल आप कर सकते हैं ऑर्डर के लिए। हमारी कंपनी बायो फर्टिलाइजर की संपूर्ण रेंज बनाती है, बायो पेस्टिसाइड की पूरी रेंज है हमारे पास में, चिलेटेड ईडीडी फर्टिलाइजर की भी पूरी रेंज हम बनाते हैं, मिस्टेनियस फर्टिलाइजर भी, शेप, एफीएडा, सिलिकॉन, कॉम्बी स्प्रे सब भी मिल जाएंगे आपको। एक्वेरियम के फर्टिलाइजर्स भी हमारी कंपनी बनाती है, एमिनो चिलेटेड फर्टिलाइजर, स्प्रेडर, पीएच बैलेंसर, वाटर सोल्यूबल की भी कंप्लीट रेंज है जो हम इम्पोर्ट करते हैं और अपने ब्रांड से बेचते हैं। हमारा एक स्पेशलाइज प्रोडक्ट है पॉलीफॉस्फेट हॉर्स पावर जो फॉस्फोरस की कमी को बहुत अच्छी तरह से दूर करता है। हमारी कंपनी हाइड्रोपोनिक्स के भी रेडी टू यूज फर्टिलाइजर और उनकी मीडिया जैसे कोकोपीट है, वर्मीकुलाइट, परमाइट, बफर्ड कोकोपीट, क्ले बॉल, पीट मॉस, ये भी सब अवेलेबल हमारे पास होते हैं। हमारी कस्टमाइज रेंज भी है हाइड्रोपोनिक्स के फर्टिलाइजर्स की। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स भी हम लोग बनाते हैं जैसे कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, नीम केक, कैस्टर केक, अनमोल जी, मस्टर्ड केक, करंज केक वगैरह, नेचुरल प्रोटेक्टर नीम ऑयल के कंप्लीट 300 BPM, 1500 BPM, 10,000 BPM, शील्ड, थ्रीपोज, माइटोज, वायरोज, फंगनील, नीमो सीपी, कोल्ड प्रेस नीम ऑयल, एमी ड्यू, ट्यूल ड्यू, सिल्वर H2O2 जो फ्यूमिगेंट है, कई बार मैंने इसका नाम लिया है, तो ये सब भी हम बनाते हैं। पीजीआर बेस्ड हमारा जो यूमिनोज है वो बेस्ट सेलिंग हमारा प्रोडक्ट है। उसके अलावा एमिनो एसिड आधारित प्रोडक्ट जाइमोज, सीवीड एक्स्ट्रा, बीम प्लस, पीम प्लस का बहुत उपयोग होता है एप्पल की खेती के अंदर, फेम गोल्ड, ब्लैक पर्ल, मैंथर, ऐसे पीजीआर की बहुत बड़ी रेंज है। सारी प्रोडक्ट आप हमारी वेबसाइट पर देख सकते हैं। खूब खूब शुक्रिया आपने लास्ट तक हमारा वीडियो देखा। हमारे चैनल उत्कर्ष एग्रोगेम को आप सब्सक्राइब करें ताकि आपको आपकी खेती के अलग अलग वीडियो मिलते रहें। और इसके बाद में हम लोग पैर के ऊपर लीची के ऊपर भी करने वाले हैं, तो आप करके रखेंगे तो आपको जब भी पैर लीची के ऊपर वीडियो आएगा तो आपको पता चल जाएगा कि आ गया है। शुक्रिया मित्रों, मिलते हैं अगले वेबिनार में।